ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। अरे डर तो फिर रात में भी क्लास होगी क्या? भयंकर, यहाँ तो बैंड बाजे जैसी आवाज आई। हाँ रात में जो क्लास है, अरे रात नहीं रात सर, में वो सर वो रात में। एक्चुअली मेरा कंप्यूटर में भी खोल दिया था मैंने गलती से। हाँ ओके ओके, नो प्रॉब्लम। रात में जो क्लास रहती है अपनी, उसको अपन 4 बजे लगा लेंगे, फिर आप उसको पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, है ना, ताकि क्लास के अलावा आपको भी सर, आप समझ। सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कल हाँ रिवीजन है बिल्कुल, क्या? आज पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट कर लेंगे, कल रिवीजन होगा। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भी सेंड करूंगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके चलो, अभी आप सभी माइक ऑफ कर लो, ताकि हम बिना किसी इंटरप्शन के आगे बढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स आ रहे हैं लगातार, सभी को अपन एडमिट कर लेते हैं। टेक मैजिक, इनका जब से इन्होंने क्लास अपनी ज्वाइन की ना, तब से इनका बस एक ही डाउट है कि कवि छंद का हमें एक सरल सा उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, यही डाउट चलता हुआ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इस डाउट की भी आज अपन वाट लगा देंगे, डाउट भी आपका खत्म होने वाला है। देखो भैया, मैं कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, अब आपको दिखेगी स्क्रीन, और फिर अपन करते हैं अपने रस को पढ़ना स्टार्ट। अब आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, चलिए तो फिर अपन स्टार्ट कर देते हैं रस को पढ़ना। रस में हमने देखा कि यार रस क्या है, काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति को अपन रस कहते हैं, है ना। और कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने को, सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, एडिट नहीं होना है, एडिट नहीं होना है, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन कहते हैं रस। क्लियर? अब देखो आगे, आगे क्या चीज दिखी हुई है, रस काव्य की आत्मा है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इतना अपन ने देख लिया, इतना इनफ है। अब हमें देखने होंगे रस के चार अंग। रस के चार अंग कौन कौन से हैं, देखिए, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव, ये हैं अपने रस के चार अंग। क्लियर हो गया इतना, रस के चार अंग अभी से याद कर लो, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव। यहां से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, स्थायी भाव, संचयी भाव और अपने अनुभव और विभाव, इनसे बिल्कुल प्रश्न बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में बनेगा लेकिन बन सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, तो अब देखो, पहले अपन अभी अंग हैं और ये प्रकार हैं, इन दोनों को एक मत समझा करो, अंग और प्रकार अलग अलग चीज होती है, अंग चार होंगे और प्रकार हैं जो अपने 10 रहेंगे। ठीक, देखिए, देखते हैं अपन यहां पर रस के प्रकार 10 हैं जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया, लेकिन एक और बार इनके ऊपर नजर मार लेते हैं। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव प्रेम होगा, हास्य रस का हास होगा, रौद्र रस का क्रोध होगा, भयानक रस का भय होगा, वीर रस का उत्साह होगा, अद्भुत रस का आश्चर्य, करुण रस का करुणा शौक, और विभत्स रस का घृणा, शांत रस का वैराग्य और वात्सल्य रस का स्नेह होगा। क्लियर? अब देखो, मैंने आपको बताया यहां पर चार अंग होते हैं, अब इन चार अंगों को अपन समझते हैं। रस के चार अंग देखो, स्थायी भाव, हृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके हृदय में पहले से ही है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशन के अकॉर्डिंग निकलते हैं वो, है ना, आप कुछ भी हो सकते हो, कभी दुखी भी हो सकते हो, कभी आपको डर भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कब होगा वो, जब सिचुएशन आएगी, है ना, मतलब भाव तो पहले से है, डर के भाव भी पहले से रहते हैं अपने हृदय में, इसके अलावा हंसने के भाव भी पहले से रहते हैं, कोई सी पनी सी चीज हो जाएगी तो आपको हंसी आ जाएगी, ठीक है ना, वो चीज है यार। तो देखो, जैसे यहां पे हमने कंडीशन ले ली, ये बंदा यहाँ पे लटका हुआ है पेड़ पर, तो अब क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये कभी हंसा नहीं होगा, इसको पता ही नहीं हंसना क्या होता है, सब कुछ है, ठीक है, इसके अलावा रोना भी ये जानता है, सारी चीजें इसके साथ हो चुकी है लगभग लगभग, है ना, लेकिन अभी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसके साथ क्या होगा, इसके हृदय में उत्पन्न होगा भय, पहले से है लेकिन वहां पे उस टाइम जागृत होगा, ठीक है, तो यहां पर कौन सा रस है, भयानक रस है। क्लियर? हमने स्थायी भाव समझ लिया, स्थायी भाव वो होंगे जो पहले से अपने हृदय में विद्यमान रहेंगे, हृदय मतलब जो भी बंदा है यहां पे, ठीक है। अब देखो विभाव, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं, बात समझेंगे, स्थायी भावों को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं, कि यार ये जो स्थायी भाव था इसके अंदर डर का, है ना, डर का, वो जागृत कैसे हुआ, वो जागृत भी है इसलिए हुआ क्योंकि वो इधर गया था अपने इधर खाइयों पे बढ़िया फोटोशूट वगैरह करने, और वहां से गिरा और इधर लटक गया, कैमरामैन तो भग गया, ये यहां पे लटक गया, ठीक, ये चीज हुई इसके साथ, तो ये सीन हुआ, ये क्या चीज बताती है, ये बताती है अपना विभाव। क्लियर इतना? अब देखो यार, विभाव, विभाव यहां पर दो तरह के होंगे, आलंबन है उसमें सबसे पहले, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो आलंबन कहलाता है, ठीक है, किसके प्रति हो गया भाई साहब, इस खाई के प्रति, यहां से गिरेगा, इसके लिए इसके मन में हृदय, इसके हृदय में, इसके हृदय से भाव जागृत हुआ है। ओके, अब देखो दो, एक और इसका एक और भेद होता है जिसको अपन कहते हैं उद्दीपन, क्या कहेंगे, अनुभव जा, ठीक है, 38 स्टूडेंट्स, हाँ, अब देखेंगे हम सभी,
अब यहां पर बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उद्दीपन, स्थायी भावों को बढ़ाने क्या लिखा है यहां पे मैंने, बढ़ाने करने वाले, ठीक है, इसकी जगह पे आप लिख देंगे बढ़ा देने वाले, या फिर स्थायी भावों को बढ़ावा देने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। अब इसका क्या अर्थ समझेंगे हम, इसका अर्थ क्या समझेंगे हम, इसका अर्थ हम ये समझेंगे कि भाई साहब, अरे यार ये क्या हो रहा है यार आज की क्लास में, ठीक है कोई नहीं, जैसे यार यहां पे ये बंदा लटका हुआ है, क्या होता है एकदम से हवा आ जाती है, पहले तो मतलब इसकी पूरी वाट लगी हुई है यहां पर, जिस तरीके से अटका हुआ है पूरी तरीके से डरा हुआ है, गिर जाएगा कभी भी इसकी मौत हो सकती है ना। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है कि एक बार अच्छी तेजी से हवा और आ जाती है, अच्छी तेजी से हवा और आ जाती है, तो क्या होगा, जो इसका भयानक रस है, जो यहां पर भयानक रस उत्पन्न हुआ है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उद्दीपन उसी को कहते हैं, उद्दीपन उसी को कहते हैं भाई साहब, कि जो अपने भाव जागृत हुए हैं, जो रस जागृत हुआ है, उसको और जो बढ़ाते हैं उनको अपन कहेंगे उद्दीपन, ठीक है। किसके अंदर आ रहा है, विभाव के अंदर आ रहा है, क्लियर इतना। अब हमारे पास अनुभाव, अनुभाव एक और भाव है, संचारी भाव देख लिया, उसको भी अपन देखेंगे। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं, आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे यार ये यहां पे गया, गिरा, तो ये क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, पकड़ के रखा है ना, इसकी आंखें बाहर आ रही होगी, है ना, दांत अलग ही तरीके से वहां पे दिखा रहा होगा, हालांकि कोई फोटो लेने वाला नहीं है और उसने मुंह भी इसलिए उधर कर रखा है। ओके, तो ये चीजें वो जो भी कर रहा है उस टाइम, जो भी रिएक्शन देता है, वो किसके अंदर आ जाता है अपना, वो आ जाएगा अपना अनुभव के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद बचा है संचारी भाव, उसको भी देख लेते हैं। संचारी भाव का क्या सीन होता है, कोई है यहां पर, चलिए ठीक है। अब यहां पर संचारी भाव हो जाता है, संचारी भाव यानी कि यार अभी इस कंडीशन में तो फंस गया, अब इसके मन में क्या क्या विचार आएंगे, क्या क्या थॉट्स आएंगे, हो सकता है कि लास्ट टाइम में अपनी फैमिली को याद करें, या फिर इसके मन में कुछ युक्ति सूझ रही हो यहां से बचने की, कि मैं ऐसा करता हूं भाई साहब, यहां से हाथ को छोड़ देता हूं और नीचे कोई सा खजूर का पेड़ रहेगा, वहां पे जाके अटक जाऊंगा, है ना, आसमान से गिरे और खजूर पेट के, जो भी इसके माइंड में जो भी चीजें चल रही है वो किसके अंदर जाएगी, संचारी भाव के अंदर आ जाएगी, क्लियर। तो ये चीजें हैं, हाँ ओके, ये चीजें हो चुकी है अब अपने साथ। तो यहां से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं अपने रस, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है यहां तक तो बिल्कुल पूछ सकता है, माइक ऑन में करने वाला हूं। सर विभाव भाव एक बार समझा अच्छा, दीजिए। विभाव एक और बार समझना है, ठीक है, विभाव एक और सर बार देख लेते विभाव हैं। एक बार और समझा ओके ओके, दीजिएगा। हाँ, सुन लिया हमने एक बार में विभाव। देखो यार क्या होता है, अब इसके मन में डर तो उत्पन्न हुआ, मान लो एक व्यक्ति है, ये सब पीछे का जो भी सीन हटा दो, यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति को देखो, तो इसके मन में अगर डर उत्पन्न हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्योंकि यार यहाँ पे अटका हुआ है, तो बस जो कारण है उस डर के उत्पन्न होने का या फिर उस रस के उत्पन्न होने का, उसी को अपन विभाव कहते हैं, ठीक। अब आलंबन, इसके दो भेद है, आलंबन जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो, किसके प्रति हुआ है, जैसे मान लो यहां पर अगर एक कोई जंगली जानवर होता तो वो रस वो कारण बन जाता, इसके अलावा यहां पर क्या चीज हो रखी है, यहां पर खाई, खाई की वजह से इसको डर लग रहा है ना, तो यहां पर ही अपना आलंबन बन गया। इसके अलावा एक और भेद है इसका, वो क्या है, उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है यार, जिसे आग में घी डालते हैं, है ना, वैसे यहां पे हो रहा है, डर तो इसको पहले से लग रहा है, और कुछ ऐसा सीन हो जाए जिससे कि इसका डर और बढ़ जाए, यानी कि एकदम से हवा आ जाए तेजी से, जिससे कि इसके हाथों की पकड़ ढीली होने लगे, ओके। या फिर मान सकते हैं अपन कि यहां से कोई सा पत्थर का टुकड़ा गिरने लगे, जिससे कि ये पेड़ की जो मजबूती है उस पर फर्क पड़ने लगे, तो इससे क्या होगा, इसके मन में और ज्यादा डर उत्पन्न होगा, मतलब जो डर को बढ़ा रहा है उसको उद्दीपन कह रहे हैं, क्लियर। फिर इसके बाद में हमने देखा अनुभव, यानी कि जो भी वो बाहर से, जो भी ये व्यक्ति है बाहर से जो भी कोशिश कर रहा है फिलहाल, वो सब क्या कहलाती है, अनुभव, जैसे कि मुंह बना रहा होगा, हो सकता है छटपटा रहा होगा, तो ये सभी चीजें किस में आ जाएगी, अनुभव में आ जाएगी। संचारी भाव क्या होता है कि अब इन टाइम पर उसके मन में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चीजें रन हो रही है, उनको हम कहेंगे संचारी भाव, ठीक है, ये चीजें हमें याद रखनी है। अब किसी को कुछ पूछना है, सर इनके उदाहरण। ठीक उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उदाहरण की अपने को आवश्यकता नहीं है, जो चीजें पढ़ना है वो अपन पढ़ सकते हैं। संचारी चलो भाई साहब, हाँ तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, माइक ऑफ कर लीजिए सभी, या फिर मैं ही ऑफ कर देता हूं, आपको कुछ समय बाद परमिशन दे दी जाएगी, तब आप अपने डाउट्स रख सकते हो। चलो अब ये तो हो गए अपने भेद, सॉरी, जो अंग हैं रस के, चारों के चारों अंग क्या क्या थे अपने, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, इनको अपन ने पढ़ लिया है ना। अब यार
हम आ चुके हैं थोड़ा आगे आगे यार। इसमें ये जो 10 प्रकार के रस हैं, 10 प्रकार के रस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट रस हैं जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो इनफ होता है ना। जैसे यहां पे देखो यार, सबसे पहले हमको दिया है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का क्या मतलब है, यहां पर श्रृंगार रस का देखेंगे, जहां स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। ओके, जब भी यार स्त्री पुरुष के प्रेम को दर्शाया जाए काव्य में तो समझ जाओ कि यहां पर क्या है, श्रृंगार रस है। ठीक, इतनी सी आपको यहां पर इसकी डेफिनेशन देनी है, जहां स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसके 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग से आप नाम मतलब संयोग नाम से समझ गए होंगे कि क्या चीज होगी, यहाँ पे मिलन होगा। ठीक, तो जब भी स्त्री पुरुष का मिलन हो उसको अपन कहेंगे संयोग श्रृंगार, और यहां पर क्या होगा, वियोग यानी कि बिछड़ना हो तब वियोग श्रृंगार आ जाएगा। क्लियर है इतना? ये चीजें आप सभी समझ चुके हैं। श्रृंगार रस में स्त्री पुरुष के प्रेम की बात की जा रही है ना। यहां पर 2 प्रकार हैं, मिलन और एक वियोग। इसके उदाहरण देखते हैं। राम के रूप को निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। कोई समझाएगा इसे? चलो रहने दो, क्या ये मतलब, ज्यादा चीजें समझने से याद हो रही है, सीधे सीधे डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। देखो क्या होता है, जब प्रभु राम और माता जानकी जी की शादी हो रही होती है तब लगातार माता जानकी उन्हें निहारती रहती है, निहारती रहती है। अब देखो कंकन के नग यानी कि उनके नग में जो कुछ हीरे जैसी चीजें रहती है उसमें उन्हें राम भगवान की छवि दिखाई देती है, छवि दिखाई देती है। ठीक है, जैसे कुछ कांच वांच जैसी चीजें होती है ना जिनमें छवि दिखते हैं, वैसे उनके नग में ये परछाई दिख रही थी प्रभु राम की। ओके, तो ये आ गया अपना संयोग श्रृंगार में, मिलन हो रहा है। वियोग श्रृंगार में देखेंगे, मधुवन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों ना डरे। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर अपने को मतलब नहीं भी याद है तो कोई कोई वहां पे नहीं पूछने वाला, सीधा उदाहरण भी आपको याद है उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप इनके डायरेक्टली नाम सॉरी उदाहरण भी याद कर सकते हो, है ना। यहां पर क्या होता है यार, जो गोपियां होती है वो मधुबन से कहती हैं कि यार तुम इतने आनंद में कैसे रह रहे हो, तुम्हें कोई दुख क्यों नहीं है ना। विरह वियोग श्याम सुंदर के, बिना श्याम सुंदर के आपको कोई दुख क्यों नहीं है ना। ठाड़े क्यों ना जरे, आपको तो एकदम सूख जाना चाहिए था, जल के भस्म हो जाना चाहिए था, मधुवन को बोलते हूँ। ठीक है, जो गोपिया होती है ना। तो ये चीज है भाई साहब जो हमने अभी देखी है। श्रृंगार रस अपन ने पढ़ा, इसमें देखा कि स्त्री पुरुष के प्रेम के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है उसको अपन श्रृंगार रस कहते हैं। इसके अलावा इसका स्थायी भाव रति होता है। मिलन देखेंगे, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नगी की परछाई। अब पता है कईयों को डाउट आएगा कि सर हमको वो वाला याद है वो चल जाएगा, बिल्कुल सारे चल जाएंगे यार, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, बस याद होना चाहिए, कुछ भी आप लिख सकते हो। वियोग नहीं भी याद है तो इतना तो लिखा आपने, डेफिनेशन तो लिखी, एक नंबर तो कहीं नहीं गया आपका। ठीक है, वियोग श्रृंगार में देख लो क्या हो रहा है, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों नजरे। ये चीज यहां पर बताई गई है ना। तो ये है अपना श्रृंगार रस, फटाफट से इसको अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, इतना लिख लो। देखो इनको भी अपने ज्यादा इलेबोरेट भी नहीं किया, यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख दिया मिलन, कि भैया जब मिलन हो तब हम कह देंगे कि ये अपना संयोग श्रृंगार है, और जब बिछड़ना होता है अपन कह देंगे वियोग श्रृंगार है। क्लियर इतना? संयोग मिलना, मेरा पिया घर आया, और राम जी, ये भी अपन एक समझने के लिए अपने माइंड में बात बिठा सकते हैं कि हाँ भाई साहब ये भी एक इनका उदाहरण हो सकता है, लेकिन लिखना नहीं है क्योंकि वहां पर हिंदी गानों की अनुमति नहीं दी जाती है। नहीं तो लिख दो आप दो अनजाने अजनबी। ठीक है, ये चीजें नहीं चलेगी वहां पर, मिलन हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदी साहित्य में चीजें चलती हुई आ रही है उन्हीं के हिसाब से अपने को लिखना है। हिंदी गाने, बॉलीवुड के गाने, ये चीजें वहां पर नहीं चलेगी। ठीक है ना, चले बांधने बंधन। चलो भाई रहने देते हैं, नहीं तो पता चलता है कि कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो पे, अपन इसको यूट्यूब पर भी डालते हैं रिकॉर्डिंग करके। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार हो गया, वियोग श्रृंगार भी हो गया, और आई थिंक आप सभी ने इसको लिख भी लिया होगा। लिख लिया है तो एक बार हैंड रेस कर देना ताकि मुझे क्लियर हो जाए और हम अगले रस की ओर बढ़ सकें। श्रृंगार रस यार स्त्री पुरुष के प्रेम के भाव का वर्णन करता है ना। यहां पर 2 प्रकार के रस अपने को देखने को मिले, कौन कौन से, संयोग और वियोग। संयोग में हमने देखा मिलन हो रहा है, और वियोग में क्या होता है, बिछड़ना। ठीक है ना, ओके, अगले पे आ जाते हैं अब अपन। ओके ओके, सभी ने लिख लिया, वेरी गुड। अगले रस को देखेंगे, अगला रस हमारे पास कौन सा है, यहीं पे नीचे लिखा हुआ है वीरस। इसका स्थाई भाव उत्साह है। इसका स्थाई भाव क्या है, उत्साह है।
है ना। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ ना लिख लो तो लिखना भी, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया तो हाँ हैंडस कर दो और फुर्सत हो जाओ, नहीं लिख लो, उदाहरण भी लिखो साथ में, याद हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कितना आसान था, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, है ना। क्योंकि अगर आप इन्हें फिलहाल अवॉइड करोगे तो अभी आगे और बड़े बड़े जब आएंगे ना उदाहरण, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वीरस देखो, वीरस बहुत प्यारा है, इसका स्थायीवा उत्साह है, जहां कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो तो वहां वीरस कहलाता है, वहां वीरस होता है ना, ये चीज यहां पर बताई गई है। अब देखो यार, इसका उदाहरण देखते हैं अपन, उदाहरण देखेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना, ये चीज अपन यहां पर देख ली। अब इसके ये इसका उदाहरण हो गया, यहां से अपने को क्लियर होता है कि यार यहाँ पे वीर रस है, उत्साह उत्साह दिख रहा है यहाँ पे अपने को, ठीक है, जोश। ओके, तो ये चीज अपनी आ जाती है वीर रस के अंदर, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। अगर आपको ये उदाहरण अच्छा लग रहा है, वैसे तो सभी को याद हो जाएगा, बहुत आसान है, तो आप इसको आराम से याद भी कर सकते हो और इसको लिख लो अपनी कॉपी में। इसके अलावा एक और है, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। ठीक है, ये भी आसान है, दोनों में से आपको जो भी आसान ज्यादा लगता है उसको आप लिख सकते हो, है ना। चलिए देख लेते हैं, और कोई भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या अभी तक क्लास में? हाँ अभी तक आए जा रहे हैं। ओके भाई साहब, तो यार ये चीजें हैं वीर रस के अंदर, क्या पूछते हैं वो, मतलब अपने को क्या समझना है कि वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, और जब भी अपने को उत्साह देखने को मिले समझ जाओ कि यहां पर क्या है, वीरस। क्लियर, एक उदाहरण मैंने आपको यहां पर दे दिया है, इसके अलावा भी उदाहरण है अपने, कौन से उदाहरण मैंने आपको बताया वो भी, कि वह खून कहो, जिसने भी नहीं लिखा हो उसको बताना चाहूंगा, कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। पहली लाइन में आपको ये लिखना है और दूसरी में देश वाली लाइन लिखना है ना, आसान है, बढ़िया है। चलो भाई साहब, ये हो गया आप सभी का, लिख लिया हो तो हैंड रेस कर दो, फिर अपन अगले रेस की ओर बढ़ेंगे, अगले रेस की भी और भी बढ़ेंगे। हैंड रेस अभी कुछ ही बच्चों ने किया है, ठीक है, जब हाँ ठीक है, अब काफी सारे बच्चों ने कर दिया है, वेरी गुड, लिख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं अब अपन, यहां पे देखते हैं एक और रस है हमारे पास, करुण रस। करुण रस भी इंपॉर्टेंट है, करुण रस भी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई साहब, इसका स्थायी भाव शोक है, क्या है इसका स्थायी भाव, शोक है। 2 मिनट रुकिएगा, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक। शोक यानी क्या, आप सभी समझते हैं, वो शोक नहीं जिसको ये शोक, वो दुख वाला शोक है ना, ये दुख वाले शोक की यहां पर बात की जा रही है। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक, जहां मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है। ठीक है, मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है, जैसे वियोग का वर्णन तो अपने यहां पे रस में भी हो रहा था, श्रृंगार रस में भी हो रहा था, यहां पे बिछड़ना हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, मृत्यु तुल्य, यानी कि समझ लो कि अब छोड़ के चले गए, मृत्यु हो गई। इस तरीके का अगर अपने को वियोग दर्शाना है तो वहां क्या होता है, वहां पे आता है करुण रस, है ना, वहां करुण रस होता है। इसका उदाहरण देखेंगे हम, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, है ना। मतलब क्या होता है कि भाई सब कल ही तो हल्दी के हाथ हुए थे, अभी अभी तो इनकी शादी हुई थी, और जो सिंदूर है वो अंगार बन चुका है, यानी कि जो पत्नी है वो विधवा हो चुकी है। इस तरीके के यहाँ पर अपने को उदाहरण दिए जा रहे हैं, अच्छा है, काफी समय से चलता हुआ भी आ रहा है तो याद करने में भी आसानी है, हो सकता है कई बच्चों ने पहले से भी इसे पढ़ रखा हो, बहुत अच्छी बात है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, ठीक है, तो ये करुण रस है, इसकी भी आप परिभाषा और इसका उदाहरण आप लिख लीजिए, इसकी भी एक परिभाषा और उदाहरण लिख लीजिए फटाफट से। आसान है सारी की सारी चीजें, लेकिन क्या होता है ना कि यार हम एकदम धड़ल्ले से पढ़ने लग जाते हैं और ये चीज पता नहीं होती कि पढ़ना क्या है पढ़ना क्या नहीं है, तो ऐसे समय में थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है, बाकी चीजें आसान ही है सारी की सारी। अब यार ये करुण रस है, जिसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, जहां मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहां करुण रस होता है। क्लियर हो गया इतना, फिर हमने पढ़ा इसका उदाहरण कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। क्लियर इतना, अब देख लो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा संगारस, संगारस में हमने देखा, एक काम करते हैं पहले देख लेते हैं आप सभी ने लिखा है कि नहीं लिखा है, हैंड रेस कर देना लिख लिया हो तो।
अभी तक आते जा रहे हैं बच्चे? ओके ठीक, हाँ सभी ने लिख लिया है। तो श्रृंगार रस अपन क्या है ना, साथ में रिवाइज भी करते चलते। श्रृंगार रस में हमने देखा क्या होता है कि स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है ना, वहां श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है? रति है। इसमें दो प्रकार देखने को मिलेंगे, एक रहेगा संयोग, एक रहेगा वियोग। संयोग का अर्थ होगा मिलन, वियोग का मतलब होता है वियोग यानी कि बिछड़ना। ठीक है, ये चीज आप समझ जाओ। फिर हमने देखा कि राम के रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, यानी कि यार जो माता जानकी हैं वो उन्हें लगातार देखती रहती हैं। दूल्हे के वेशभूषा में रहते हैं अपने प्रभु राम। ओके, उनके कंगन में जो नग रहता है उसमें उनकी लगातार वो छवि देख रही होती है। ओके, उदाहरण अब वियोग का, ये इसका देख लो अपने वियोग श्रृंगार का, कि मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न डरे, ठाड़े क्यों न जरे। ठीक है, तो ये चीज यहां पर है, आसान है। फिर हमने वीरस पढ़ा, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। जहां कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो तो वहां वीरस होता है। उदाहरण देखिए, हमने बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी, हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। क्लियर। इसके अलावा भी हमने देखा कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, सगे देश के काम नहीं। तो इससे क्या होता है, एक जोश उत्पन्न होता है, उत्साह आता है ना। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है अपना वीरस। और कोई भी आ रहे हैं? आयुष दुबे, इन्हें भी ज्वाइन कर लेते हैं। आयुष दुबे ज्वाइन हुए हैं। तो अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, माइक ऑन कर दिया है मैंने सभी के। आयुष दुबे 2 मिनट, आयुष दुबे जरा माइक ऑन कर दो। जो आपने खून वाला एग्जाम्पल दिया था उसमें वो लास्ट लाइन क्या थी? कौन सा एग्जाम्पल दिया था? वही खून कहो हाँ किस ठीक है, मतलब का, वह जिसमें खून उबाल कहो नहीं। किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। ओके सर, है ना, सर इसमें ठीक है। तो आसान है। एग्जाम्पल एक ही लिखना है क्या? क्या हो गया? एग्जाम्पल एक ही लिखना हाँ है हाँ क्या? हाँ एक ही एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। सर ये इसके पीडीएफ दे दीजिएगा हाँ बिल्कुल, बाद ये में पीडीएफ या आपको अभी सेंड कर क्लास दी के बाद। जाएगी, चिंता ना करें कोई भी। अब देखो यार इतना हो गया अपना। वैसे आयुष दुबे आप माइक ऑन कीजिए। यस आयुष दुबे आप वही हैं क्या जिन्होंने अभी अपने नागदा सर से बात की थी और सर, आपने अपन ने एक वीडियो बनाया था? बहुत बढ़िया आयुष, है ना, एक्चुअली डेयरिंग दिखाने के लिए, बिकॉज ऐसी डेयरिंग बहुत कम स्टूडेंट्स में रहती है। आपने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे बातचीत की, मैंने देखा वीडियो, बताया था मुझे। मैं उस टाइम, हाँ, हम भी उस टाइम मीटिंग में ज्वाइन होने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाए। ओके, बाकी वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। और जैसा आपने वीडियो देखा होगा अपने यूट्यूब चैनल पर, बाकी बच्चों को मैं कहता हूँ कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख ही लिया होगा कि किस तरीके से जो पेपर वाले होते हैं, जो फेक पेपर का वादा करते हैं और आपका पूरा पढ़ाई से मन पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं आपको कंप्लीटली। ठीक है, ये चीजें होती है। और आपके पहले तो आपके माइंड में ये चीज फिट कर देंगे कि हाँ यार आपको पेपर मिलने वाला है, रात को 12-1 बजे पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अभी जो भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो वो नहीं पढ़ोगे। क्यों नहीं पढ़ोगे? कि आपको पता है कि हाँ यार एंड टाइम पे पेपर मिलेगा, हम उस समय पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। पेपर आते हैं आपके पास, फेक पेपर आते हैं, वो भी 3-4 दे देते हैं, उसमें से क्या पढ़ोगे आप बताओ? वो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप जाके देखोगे वहां पे पेपर अलग मिलेगा। तो आपने क्या किया, पहले तो जो आपके पास समय था उसको बर्बाद कर दिया, समय था उसको बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, और फिर आपको अलग ही अपने आप से घृणा भी होगी बाद में। अभी आपको नहीं लगता कि यार चलो ठीक है अपन तो पेपर पेपर देखेंगे, इसमें से लिख लेंगे, लेकिन बाद में आपको फील होगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं करता तो मेरा रिजल्ट अच्छा हो सकता था। तो इन चीजों को अवॉइड करो यारो, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं होगा पेपर पेपर लीक। हाँ एक चीज मैं बिल्कुल आप सभी के सामने कह सकता हूँ कि एग्जाम से 15-20 मिनट पहले पेपर आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, एग्जाम से 15-20 मिनट पहले पेपर आ जाते हैं कभी कभी। तो वो चीज अगर आपके पास आ जाए, ये सर सब फेक है, हाँ बिल्कुल अभी सभी फेक है। अगर लोकल वालों से सेटिंग हो जाए तो आ जाएगी सर। जो केंद्रीय अध्यक्ष होते हैं सर, उनके पास लगभग 20 से 25 मिनट पहले, हमारे लोग के इधर जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं सर, उनसे बात हुई है तो मतलब 20 मिनट पहले पेपर जो होते हैं वो जिस सेंटर पे पहुंचते हैं तो 20 मिनट पहले वो खोल सकते हैं, देख सकते हैं, तो उधर से हो सकता है। ओके बाकी तो और यार ऐसा है कि जब तक हम अपनी मेहनत से वहां पर नहीं लिखते हैं, कॉपी में आंसर नहीं करते हैं, तो हमें अपने रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। कि हाँ सर, हाँ अंदर से अपने को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ यार जितने भी मार्क्स आए हैं मेरे बलबूते पर आए। ओके, अगर आप मान लो 10-15 मिनट पहले पेपर देखते हो, ठीक है 10-15 मिनट पहले देख लिया कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन 95, 98, 99 की हो और आपको एक दो मार्क्स पीछे छोड़ रहे हो आपको 99 लाने में, 97 लाने में, तो वहां पे आपकी ये चीज हेल्प कर देती है। लेकिन यार जैसे आपका टारगेट ही 60-70 का हो और फिर उसके बाद में आप पेपर देख रहे हो,
तो वो 3 4 मार्क्स आप ऐड करके भी क्या कर लोगे, क्या आप अपने आप को समझोगे कि हाँ यार मैं खुश हूं। ठीक है, तो माइक ऑफ कर देता हूं मैं सभी के। पेपर वेपर के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना, पढ़ाई करो, मटेरियल अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसी को पढ़ते रहो। और ये जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है आदित्य। फिर हमने वीरस भी देख लिया था, हमने देखा फिर करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। जहां मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहां करुण रस होता है। ओके, इतनी सी बात है, यहां पर वियोग का वर्णन तो वहां भी हो रहा था अपने श्रृंगार रस में भी, लेकिन वहां पे मृत्यु तुल्य नहीं था, यहां पे मृत्यु तुल्य है। ओके, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। तो ये 3 रस है, इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन और उदाहरण अपन ने कर लिया है। एक और रस, एक काम करो लिखो, मैं बोलता हूं आप लिखेंगे, हास्य रस, इसको भी लिख लो, पूछा जा सकता है। हास्य रस, हास्य रस की डेफिनेशन लिखेंगे आप, जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव, जब किसी की विचित्र वेशभूषा, ऑब्वियस ही बात है यार, जब भी आप कुछ देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, और अगर आपको वहां पर हंसी आ जाए तो वहां पे क्या है, हास्य रस है। ठीक है, तो इसी को अपन लिखेंगे थोड़ा अच्छे ढंग से, कि जब किसी की विचित्र वेशभूषा, जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव देखकर, हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर, हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर या वर्णन सुनकर, हो गया इतना, हंसी आती हो, हंसी आती हो, हंसी आती हो, वहां क्या होगा, जहां हंसी होती हो वहां पे क्या हो जाएगा, अपना हास्य रस हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, वहां हास्य रस होता है। तो ठीक है, आपने डेफिनेशन लिख ली है, जब किसी की विचित्र वेशभूषा, हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती हो वहां हास्य रस होता है। ठीक है, अब हास्य रस का हम सभी एक उदाहरण लिखेंगे, हास्य रस का अब सभी उदाहरण लिखेंगे, डाल लो हेडिंग उदाहरण की, और लिखते हैं इसको भी अपन, बुरे समय को देखकर। ठीक है, कबीर के जो दोहे होते हैं उसी तरीके से लिखेंगे अपन, ऊपर एक लाइन लिखेंगे, फिर एक डंडा खींचेंगे, फिर नीचे आके, एकदम इसी तरीके से जो अपन ने यहां पे लिखा, अभी तो मुकुट बंधा था ऐसे, है ना। बुरे समय को देखकर लिखेंगे आप सभी, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। क्लियर हो गया इतना, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। ओके, ये है अपना हास्य रस का उदाहरण, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। ये हो गया अपना हास्य रस का उदाहरण। तो बढ़िया है अपनी सर, आज की हालत के क्लास, बाद क्या है क्या हो गया, सर? किसी भी हालत में तेरा। बाल ना बाका होए, है ओके सर। ना। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। सर रस क्या कंप्लीट हो गए हैं? हाँ, बस हम इतने ही रस करने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज इतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसके अलावा अब अपन आ जाते हैं अलंकार पर। अलंकार पे आ गए भैया, एक बार और देख लो, रस हमने 3 रस पढ़े यहां पर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, श्रृंगार रस कर लिया, वीरस कर लिया, फिर उसके बाद में हमने क्या, करुण रस, और करुण रस के बाद में हमने कर लिया हास्य रस। सभी के जो उदाहरण है वो भी एकदम आसान से हैं। श्रृंगार रस के आप देखेंगे तो श्रृंगार रस में भी हमने संयोग और वियोग दोनों के उदाहरण देखे, काफी ज्यादा आसान है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। इसके अलावा हमने फिर वीरस का देखा, तो वीरस का तो ऐसा था कि एक बार में याद हो गया होगा सभी को, पहले से भी याद होगा, है ना। संयोग वियोग जो है ये भी ज्यादा टफ नहीं है, बस इनको आप एक दो बार माइंड में रीडिंग लगाओगे कि राम के रूप निहारती जानकी कंगन कहीं नगरी की परछाई, तो ये याद हो जाएगा, है ना। वियोग का भी आसान ही है, मधुवन तुम कदर रहत कर हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों नजरे, बहुत आसान है, हो जाएगा लर्न इजीली, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना इनको लिख लिख के। करुण रस देखेंगे तो ये और भी आसान था भैया, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। हास्य रस का तो बड़ा ही प्यारा, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल नवा का होए। बस सर अलंकार पास करुण हो रस का उपयोग 6 रस करने बस। गए। हाँ, ये 4 रस करेंगे हम, ये 4 रस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जाएगा, क्योंकि यार सारे ओके रस सर। करेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे रस करें, और सारे रस अगर हमने पढ़ भी लिए तो
तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ लिए तो ठीक है बाकी याद करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, उस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। चलो रस के भैया, अथवा में अलंकार भी आते हैं सर। क्या? रस के अथवा में अलंकार भी आते हैं, अगर रस या अलंकार दोनों से कोई भी बनेगा तो उसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। चलो अब हम देखते हैं अलंकार। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ऐसे बोल रहा था ये करोड़ रस में ऐसे कर सकते हैं, है मेरे वतन के लोग, आँख में भर लो पानी। देखो वही बात आ जाती है कि ये ना मूवीज से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। बाकी हाँ हम समझ जरूर सकते हैं, इससे अपने माइंड में पिक्चर बना सकते हैं कि क्या चीज होने वाली है, लेकिन ये चीज नहीं कर पाएंगे कि हम जो हिंदी गाने हैं बॉलीवुड गाने हैं वो चीज अपन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हिंदी गाने लेकिन सर ये नाम करोड़ रस में नहीं आएगा, ये वो उत्साह में आएगा। ये तो क्या जो इसने एग्जाम्पल दिया देश वाला, वो करोड़ रस में नहीं आएगा, वो उत्साह वाले में आएगा। नहीं नहीं उत्साह में तो वो आ जाएगा, फिर कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, ठीक है वो आएगा उत्साह में, ये चीज नहीं आएगी। क्योंकि आप इसको देखोगे सुनोगे तो आपको जोश नहीं आएगा इस गाने में, आपको हो सकता है इस गाने को सुनते सुनते आंखों से आंसू आ जाए लेकिन जोश नहीं आएगा, क्लियर। तो ये चीज थी अपनी। सर ये कितने नंबर का आता है, मतलब ये दो नंबर का आएगा ये, हाँ, मतलब दो नंबर क्वेश्चन के प्रश्न में? आएंगे, दो नंबर के दो प्रश्न पूछे जाएंगे अपने सेक्शन में। सर हाँ सर पूछिए। सर इसमें डायरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, हाँ जैसा एमसीक्यूज में भी पूछे पूछ थे। लेंगे, ये जो अपन ने चीजें पढ़ी है ना यहाँ हाँ, पर इन्हीं में से कुछ ना कुछ टर्म्स उठा लेंगे और आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे किसी, जैसे स्थायी भाव पूछा था पिछले साल। हाँ किसी रस का स्थायी भाव पूछ लिया उन्होंने तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, हाँ, आसानी है। वीर का पूछा था, वीर रस का। सर ये परीक्षा दिन में काव्य होते हैं ना परीक्षा, हाँ हाँ परीक्षा अध्ययन में, परीक्षा बोध में इसको काव्य बोध बोला गया है और इसके अंदर ही पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन है ना। सर काव्य के भेद नहीं है? देखिए अभी जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना यही अपने को करना है, बिकॉज जो मॉडल पेपर है इसके अलावा जो अपने प्रैक्टिस सेट है इसी की तरीके इसी पैटर्न पे अपना पेपर डिजाइन होने वाला है, तो हम इन्हीं चीजों को सर मॉडल पेपर सेंड कर देना। ठीक है आपको आपके पास नहीं आया क्या अभी तक? चलो मैं भेज देता हूँ सर ओके ग्रुप पे कर ओके ओके। और जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे उनके आप प्लीज आंसर भेज देना। ओके क्या नाम है आपका, नाम बता दीजिए। आदित्य। आदित्य ठीक है आप क्वेश्चन भेजते रहते हैं। ओके आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया जाएगा, देखेंगे जैसे ही मैसेज। अभी अपन अपन पढ़ते हैं क्लास में आ जाओ। तो हमने रस को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, सारे रस पढ़ लिए हमने, सारे इन द सेंस जितने भी इंपॉर्टेंट थे, हास्य रस का अच्छा बेहतरीन सा उदाहरण देखा हमने और वीर रस का भी देखा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपन अलंकारों पर। अलंकार क्या है यार, अलंकार को देखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को क्या कहेंगे अपन, अलंकार कहेंगे, ठीक है। जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है, ओके। इसके अलावा अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, जैसे यार ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, है ना, आभूषण, ये क्या है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। आगे आ जाते हैं, आगे देखो, जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। तो ये दो डेफिनेशन है यार, ये ऊपर वाली ही आपके माइंड में चीजें फिट हो जाएगी, हाँ एक्चुअल में अलंकार है क्या, और जो दूसरी डेफिनेशन है इसको आप एग्जाम में लिखना, ठीक है। तो आपको ये चीज तो समझ आई गई है कि जो काव्य की शोभा बढ़ाएगा वो अलंकार है, तो इसकी जो डेफिनेशन है आप ये सेकंड वाली लिखेंगे कि जो काव्य को अलंकृत करे वह अलंकार है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, है ना। जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकृत करना मतलब उसे सजाना, उसे डेकोरेट करना, वो क्या है अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। और जिन गुण धर्मों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। आसान सी चीजें हैं, करते चलेंगे इन्हें अपन आगे। अब देखो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये चीजें यहां पर दी गई हैं, इनमें से क्वेश्चंस बनने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, बाकी ये यहां पर पीडीएफ में मेंशन है तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम सीधे आ जाते हैं उन चीजों पर जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर ज्यादा मुश्किल नहीं है यार, शब्द अर्था और उभिया आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है, ठीक है ओके। शब्दों के चयन के द्वारा काव्य में सौंदर्य, सॉरी काव्य जो अपना काव्य है उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसमें सौंदर्य आता है, वो शब्दालंकार होता है। कई बार क्या होता है शब्द से तो सौंदर्यता नहीं बढ़ती है लेकिन जब उसके मतलब को अपन समझते हैं, उसके अर्थ को अपन समझते हैं तब सौंदर्य आता है। जहां कथन में अंतर अर्थगत सौंदर्य होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं, अर्थात काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कार पूर्ण बनाने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं, ठीक है। इसको आप आसान डेफिनेशन में अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप समझ चुके हैं कि जो अर्थ होता है शब्द के अर्थ
शब्द के अर्थ से जब हमारे काव्य में, शब्द के अर्थ से जब हमारे काव्य में सौंदर्यता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण देखें यहां पे, सुमनों की मुस्कान तुम्हारी। इसमें सुमनों के स्थान पर फूलों या पुष्पों को रख देने से अलंकार और अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता। ओके, लेकिन इधर पड़ जाएगा, इधर पड़ जाएगा। चंचल चारु चितौनी चिते चित्र चोरती चौगनो चाह भरी। ठीक है, ऐसी चीजें यहां पर लिखी गई है। इनकी जगह पर इनके पर्यायवाची शब्द यूज कर लिए अपन ने, ठीक है, दूसरे शब्द यूज कर लिए, तो यहां पे डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो वो चीजें यहां पे शब्द ज्यादा मायने रखेंगे और यहां पे क्या मायने रखता है? अर्थ। यहां पे आपने सुमनो लिख दिया, सुमनो की मुस्कान तुम्हारी। भाई साहब, तुम्हारी जो स्माइल एकदम सुमन की तरह है। सुमन को अपन पुष्प से समझते हैं, फूल से समझते हैं। अगर आप फूलों की मुस्कान कहें तो, पुष्पों की मुस्कान कहें तो, तब भी वही बात है। ठीक है, तो यहां पे अर्थ मायने रखता है, यहां पे शब्द मायने रखते हैं। उभय अलंकार, जहां कथन में शब्दगत और अर्थगत दोनों ही प्रकार का चमत्कार और सौंदर्य हो, वहां उभय अलंकार होता है। ओके, अब इनसे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ना के समान। बाकी पीडीएफ में मेंशन है, तो आप एक बार इन्हें पढ़ लेना। चलो भाई साहब, आ जाते हैं अब हम यहां पर अलंकार के जो हम कुछ प्रकार होते हैं उनको पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है मानवीकरण। तो मानवीकरण अलंकार में हम क्या चीजें देखेंगे कि छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, करते हैं। ठीक है, छायावादी कविता में कवि क्या करते हैं? प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण करने का मतलब, मानवीकरण छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ है प्रकृति के हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना। मानवीकरण का अर्थ क्या है? प्रकृति के हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना। ओके, ये चीज है यहां पर। आगे देखेंगे हम, इसका उदाहरण अपने सामने लिखा हुआ है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृघ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। ओके, तो यहाँ पर बादलों की बात की जा रही है भाई साहब। घटा सी छा जाती है, इसके बाद में बादल जब फट जाते हैं, और ज्यादा बारिश होती है, फट जाते हैं इन द सेंस छिटक से जाते हैं। ओके, अवलोक रहा बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। ओके, जो पहाड़ है कुछ ऐसा सा लगता है कि वो मतलब अपनी खुद की पहाड़, या फिर कहें कि जो अपने बादल हैं वो खुद अपनी परछाई देखते हैं नीचे, जो भारी भारी मात्रा में जो जल भरा हुआ है उनमें। ठीक, दर्पण सा फैला है विशाल। अब देखेंगे हम, इन चीजों को अपने को पढ़ने से ज्यादा कोई मतलब है नहीं। यहां पर्वत को मनुष्य, फूल को आंखें तथा तालाब को दर्पण माना गया है। देखो, पर्वत को मनुष्य बोल दिया, पर्वत को इन्होंने मनुष्य बोल दिया, फूल को आंखें बोल दिया, तथा तालाब को दर्पण बना दिया। जैसे कि मैंने कहा कि जो नीचे पानी भरा हुआ है उसमें वो अपनी परछाई देखता है, ठीक है, तो यहाँ पे तालाब को उन्होंने क्या बना दिया? दर्पण बना दिया। कवि के अनुसार पर्वत रूपी मानव हजारों हजारों फूल रूपी नेत्रों से उस तालाब रूपी दर्पण में अपनी परछाई को बार बार देख रहा है। जो पर्वत रूपी मानव है, जो पर्वत है, उसको उन्होंने मानव बोल दिया है। वो उसके पास जितने भी फूल है, जितने भी पुष्प हैं, उनको उन्होंने आंखें बता दिया है। वो फूल क्या कर रहे हैं? अपनी परछाई देख रहे हैं बार बार पानी से भरे तालाब में, ठीक है, और उस तालाब को यहां पर क्या बोल दिया गया है? दर्पण बोल दिया गया। ठीक, तो ये चीजें अपने मानवीकरण अलंकार में आती हैं। बाकी इन चीजों से अपने को कोई मतलब नहीं है यार। छायावादी कविता में कवि प्रकृति प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। ओके, और मानवीकरण जो है अपने छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता भी है। इसका अर्थ होता है प्रकृति की हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखना। बस ये चीज यहां पर बताई गई। ये आपको उदाहरण याद होता है तो लिख लेना, नहीं याद होता है तो ठीक नहीं, ठीक बात है, एक नंबर का यहां से क्वेश्चन आएगा। बाकी ये मानवीकरण अलंकार इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसको 2-3 बार लिख लेना, याद हो जाएगा ये भी, है ना। भ्रांतिमान अलंकार कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ना चाहें तो मैंने पीडीएफ में दे रखा है। अगर आपके पास ज्यादा समय हो, आपने पहले से काफी सारी चीजें पढ़ रखी है, वो बच्चे इसको जरूर पढ़ सकते हैं। संदेह अलंकार देखेंगे। संदेह अलंकार में देखो, जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। संदेह नाम से क्लियर है यार कि यहां पर एक डाउट बना रहेगा, एक संशय बना रहेगा। ओके, क्या चीज बताई गई है? डेफिनेशन लिखेंगे हम सभी। ऊपर की डेफिनेशन लिखी थी आप सभी ने, मानवीकरण अलंकार की डेफिनेशन और इसका उदाहरण। ओके, आदित्य ने लिख लिया है, मानसी ने लिख लिया है। लिखने के बाद ही हैंड रेज करें, तब तक पढ़ते रहें इसको, ठीक है। जिन्होंने लिख लिया है वो इसको थोड़ी देर पढ़ो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ताकि सारे बच्चे लिख लें। 37 स्टूडेंट्स हैं अभी तक, 5 बच्चों ने लिखा है, ठीक है, बाकी बच्चे भी लिख लें।
आराम से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखोगे प्रैक्टिस होगी, अच्छी बात है। छायावादी कविता में जो कवि हैं वो क्या करते हैं, प्रकृति प्रेम को दर्शाने के लिए मानवीकरण का उपयोग करते हैं। मानवीकरण का मतलब क्या है भाई साहब, कि प्रकृति की हर वस्तु में, प्रकृति के हर वस्तु में मनुष्य की छाया को देखना। ओके, ये चीज बताई गई यहां पर, क्लियर। इतना आगे देखेंगे यारो, हम क्या देखेंगे, भ्रांतिमान अलंकार तो ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। कईयों की एक गुजारिश आ रही है कि इसका एक दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिए, तो हाँ इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम आपको सेंड कर देंगे मानवीकरण अलंकार का, तो आप उसको कर लेना अगर वो हो सके तो, ठीक है। बाकी ये भी आसान है, इसको एक बार पढ़ोगे तो, एक दो बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृघ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल और दर्पण सा फैला है विशाल। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है ना, पढ़ने में भी नहीं आ पाता ठीक से, लेकिन जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, दो तीन बार लिखोगे तो ये हो जाएगा। बाकी एक और, मैं भी इसका एक इजी सा सेंड कर दूंगा ढूंढ के थोड़ा, ठीक है, एकदम इजी सा। अब देखते हैं अपन, भ्रांतिमान तो ज्यादा महत्व नहीं रखेगा, संध्या अलंकार पर जाते हैं। संध्या अलंकार आप समझ चुके हैं क्या है, डाउट जैसी कुछ चीजें यहां पर है, जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि वह वही वस्तु है, वहां संध्या अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। ओके, ये चीजें इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए सभी, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। उदाहरण यहां पर दिया गया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है, ठीक है। तो यहां पे आपको वो समझ नहीं आ रहा है, तो यहां पे क्या है, संदेह अलंकार है, आखिर तक डाउट बना रहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, ये चीज यहां पर बताई गई है, ठीक। तो ये क्या है, अपना संदेह अलंकार है। ओके, एक्चुअली युद्ध में जब युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं, तब वहां पर जो सीन होता है उससे रिलेटेड यहां पर जानकारी बताई गई है, ठीक। द्रौपदी जी को वस्त्रहीन करने की जब बात की जाती है वहां पर, और किया जाता है, तो वो कृष्ण की आराधना करती हैं, कृष्ण का जाप करती हैं, तब उस समय क्या होता है कि जो उनकी साड़ी है वो खत्म ही नहीं हो रही थी, है ना, खत्म ही नहीं हो रही थी, मतलब साड़ी को, साड़ी का आकार जो था वो खत्म ही नहीं हो रहा था, ये चीज हो रही थी वहां पर। ओके, उसका कोई अंत ही नहीं था साड़ी का। तो ये चीज, इस बात को यहां पर उदाहरण के तौर पे लिखा गया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है, नारी ही की सारी है, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, इंसान ही हूं ना, ठीक। उदाहरण आपने देख लिया है, इसको लिख लीजिए फटाफट से कॉपी में। ओके, द मीटिंग, ठीक है। ओके, तो लिख लो इसको, लिखने के जस्ट बाद आप हैंड रेस कर देना, लिखने के जस्ट बाद आप हैंड रेस कर देना। प्रेमचंद, आदित्य एंड सिक्स मोर हैव रेस्ट देयर हैंड, ठीक है। और देखते हैं और बच्चों का हो जाए, हैंड लोअर किसी को नहीं करना है, जैसे हो जाए तो आप हैंड रेस कर देना। जब हमको लगता है कि हाँ यार 50%, मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने लिख लिया है, तो अपन अगले वाले पे पढ़ जाएंगे, और अगर आपने लिख लिया है तो बढ़ो अभी, तो मतलब आप पढ़ते रहो, रिवाइज करो उसी चीज को, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों ने लिख लिया है, आ जाते हैं अपन अगले विषय पर, विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जहां किसी पदार्थ गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, ठीक है, विरोध नहीं हो रहा फिर भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पिछले साल पूछा गया था, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप सभी एज इट इज लिख लेंगे, कि जहां किसी पदार्थ या गुण या क्रिया में विशेष वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। ओके, ये डेफिनेशन फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो, और ये जितने भी अभी आप नोट्स बना रहे हो इनको पढ़ना, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, 4 बजे से पहले पहले एकदम पूरा कंप्लीट कर लेना सभी बच्चे। इसके अलावा जिनका पहले का कुछ छूट गया है, जैसे कि मैंने कल आपको रात को एक वर्क दिया था, संदर्भ प्रश्न व्याख्याएं, अगर वो बची हुई है तो उनको आप कर लेना। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए एम करके टिक किया था, और जो इंपॉर्टेंट थे उनको सिर्फ नॉर्मली टिक कर दिया था। तो पहले आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को करना, देन इंपॉर्टेंट को करना, है ना। ओके, लिख लो फटाफट से इसको। इसका उदाहरण देखते हैं,
या अनुरागी चित्त की सबसे अच्छा उदाहरण ये है, फर्स्ट वाला भी अच्छा उदाहरण है, तीसरा भी अच्छा उदाहरण है, दोनों में से आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, वो याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अच्छे अच्छे उदाहरण यहाँ पर है, आसान है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। इसके अलावा हमारे पास जो पहला उदाहरण है वो है, वामुखी की मदुराई कहाँ कहीं, मीठी लगे अखियान लुनाई। तो हमारे पास यहां पर चीजें दी गई हैं, हमने अभी तक रस पूरे कंप्लीट किए, उसके बाद हम अलंकार पर आए। अलंकार में हमने देखे कुछ अलंकार के भेद प्रकार, ओके। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट उठाए, मानवीकरण पढ़ा, कहा भ्रांति मान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने प्रिपरेशन अपनी अच्छी कर रखी है वो जरूर इसको कर लेना। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार, संदेह अलंकार भी अपने देख लिया, इसकी डेफिनेशन, उसके उदाहरण को समझ लिया। विरोधाभास अलंकार भी अपना कंप्लीटेड है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये अलंकार भी इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक ये लास्ट अलंकार रहेगा हमारा, इसके बाद हम छंद की ओर प्रस्थान कर रहे होंगे। ठीक, तो विरोधाभास अलंकार हो गया, इसके बाद देखो यार आ जाते हैं अपन अपने आखिरी अलंकार पर, इंपॉर्टेंट अलंकार है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है, एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है, यह इसलिए कि इसके प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि होती है। देखो पहले तो अपने को पता है कि अलंकार से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है ना, लेकिन जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से, दो बार प्रयोग करने से जब सुंदरता में वृद्धि होती है, तो उस समय हम उस अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नाम दे देते हैं। क्लियर इतना? आगे देखेंगे हम सभी, आगे क्या चीजें लिखी हुई है। एक शब्द का प्रयोग अधिक होने से अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अर्थ में अंतर नहीं होता, लेकिन अर्थ में अंतर नहीं होता, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में कहें, यह भी कह सकते हैं कि जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और कोई भी ज्वाइन हो रखा है क्या? एडमिट कर लेते हैं, चलिए, कोई नहीं आ रहे अभी तो। ये हैं हमारे कुछ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण। अब यहां पर जो तीन उदाहरण लिखे हैं, ये तीनों के तीनों उदाहरण अपने उस सीन से लिए गए जहां पर माता सबरी जो हैं प्रभु राम का वेलकम करती हैं, स्वागत करती हैं और उन्हें जूठे बेर खिलाती हैं। ओके, उन वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। वन से चुन चुन जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मनी मन ललचाई थी। बहुत आसान है ये, ठीक है। तो आप इसी को लिख सकते हैं कि भाई साहब वो डेली जो भी वन से चुन के बेर लेकर आती थी उन्हीं को प्रभु राम को खिला रही थी। ओके, ये चीज है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपका टाइम आ चुका है कि हम माइक ऑन कर लें। ओके, तो देखो यारो, सर, हाँ हाँ जो दो हेलो विरोधाभास आपने पढ़ाया है उसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो समझा दीजिए। एग्जाम्पल्स को समझना है आपको। तो या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, अभी जो हमारा हृदय है इसकी गति को कोई नहीं समझ पाया है। जब जब हम श्याम के रंग में, जब जब हम श्याम की भक्ति में, जैसे जैसे और पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे और बूढ़े जाते हैं, त्यों तो हमारा जो मन है वो और उज्ज्वल होता जाता है। ठीक है, ये चीज यहां पर बताई गई है। ओके, और भाषा यही सबसे परिषद के बढ़िया अंदर है। केवल उपमा चार अलंकार, अलंकार दिए हैं, परिच्छेद क्या हो गया? में चार अलंकार दिए हैं बस। हाँ देखो, हम इन्हीं को याद करेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकियों के ऊपर अपन ज्यादा नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि यार चीजें तो काफी सारी है करने को, लेकिन उनकी जरूरत है क्या? नहीं सर, हाँ सर कम दिए, चार दिए बस, चार हाँ तो वो मतलब चार दिए हैं, आप। वो चार दिए हैं, और अभी हम जो करवा रहे हैं इनको कर लो ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हो सकता है हम चार के बाहर आ जाए, हो सकता है चारों में से ना पूछा जाए। तो हम कितने कर रहे हैं, देखो हम कर रहे हैं क्या क्या, हमने मानवीकरण करा पहला, मानवीकरण के बाद हमने पढ़ा विरोधाभास दूसरा, और तीसरा पढ़ा हमने पुनरुक्ति प्रकाश, और एक और पढ़ा था अपन ने, एक और पढ़ा था संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। ठीक है, तो ये चार अलंकार हैं, चार अलंकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हमने इनको देख लिया। सर एक बात है सर, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं आप। ऐसे ऐसे मानो कि अगर 2 नंबर का कोई वो क्वेश्चन है उसमें 30 वर्ड का पूछ रहा है, आपने 30 वर्ड कंप्लीट नहीं हो पाए तो। ऐसा कुछ नहीं है, आपने अपना आंसर लिख दिया है, 2 से 2.5 लाइन तक आपका आंसर चला गया है, बस इनाफ है। ठीक है, तीस वर्ड, अच्छा 30 वर्ड हेलो, लिमिटेशन रहती है वहां पर कि आप 30 वर्ड तक लिख सकते हो,
है ना, 30 वर्ड्स की आपको सर ज्यादा बाहर भी नहीं आना है, 25 से 30 वर्ड्स में अगर आप लिख रहे हो तो चल जाएगा, 25 वर्ड्स भी लिख दे तो काफी है। और सर हिंदी में क्या तीस से है, ऊपर अपनी भाषा चल है, अपनी भाषा है, हम लिख सकते हैं कुछ अगर एक्स्ट्रा एडिशन करना है तो। देखो एक्स्ट्रा एडिशन के कभी नंबर नहीं कटते हैं, बस सबसे अच्छा आपने सही लिखा हो है ना, और कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना डाली हो वहां पर, तो आपके नंबर कहीं से कहीं तक नहीं कटेंगे। सर, ये जो टिक लगे हैं वही इंपॉर्टेंट वाले वही करना है क्या बस सब हाँ हाँ में? बस इन्हीं को करना है, इसके अलावा मैंने एक को टिक नहीं किया है यहाँ पर, संधि अलंकार, लेकिन इसको करना है आपको, ठीक है, इसको करना है। सर सर ये जो भाषा बोध थी, ये जो भाषा बोध थी इसमें भी टिक लगाए थे क्या ऐसा आपने? भाषा बोध में टिक नहीं लगाए थे, भाषा बोध की तो मैंने साथ आपको PDF ऑलरेडी सेंड कर दिया ना, भाषा उसमें बोध टिक की, लगे हैं? भाषा बोध की मैंने आपको PDF भेजी है, PDF में क्या है जो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज करी है अपन ने। यहाँ पे क्या है जैसे देख लो, यहाँ पे जो छोड़नी है, जैसे यहाँ पे क्या चीज छोड़ी अपन ने, यहाँ पे हमने छोड़ दी थी एक चीज, यहाँ पे हमने छोड़ी भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार को अपन ने छोड़ा, तो जो अपनी जो भाषा बोध की जो PDF है ना, उसमें जिन भी चीजों को छोड़ा है उनको हमने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, जैसे इसमें मेंशन किया है लेकिन इसको करना नहीं है, ऐसा उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ वही चीजें हैं जिनको करना है। सर ये कह रहा है हाँ जो अपनी परीक्षा बोर्ड है उसमें लिखा है कि अलंकार के प्रकार, तो उसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उपमा अलंकार, लेकिन ये तो इसके भेद होंगे क्योंकि इसके प्रकार तो ये है ना, उपमा अलंकार, विरोधाभास अलंकार। हाँ देखो ये जो शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं, उभय अलंकार होते हैं, ये इसके हो गए प्रकार। अब पता है इनके अंदर भी प्रकार होते हैं, इनके अंदर जो होते हैं उनको पूरा अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये भी उन्हीं में से आते हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए ये जो मानवीकरण अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, संध्या अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, ये इन्हीं के भेद हैं, इन्हीं में से आए हैं, शब्द अर्थ उभय में से, लेकिन शब्द अर्थ उभय नहीं सर पूछे जाते हैं, पूछा सिर्फ इन्हीं को जाता है। सो देयर फोर हम क्या कर रहे सर हैं, सिर्फ इन्हीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सर अगर अपन से पूछा कि जो अलंकार के कितने भेद होते हैं तो फिर अपन तीन ही लिखेंगे क्योंकि यही तीन हाँ मेन होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तब आपको वही लिखना है, लेकिन अगर पूछा जाता है मान लीजिए विरोधाभास अलंकार को परिभाषित करने का बोल दिया उन्होंने, तो आप इसको लिखना, इसका एक उदाहरण लिख देना कि या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझ, गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्योता उज्जवल होए, ठीक है, इस मन की, इस मन की, इस चित्त की आप गति को नहीं समझ सकते, ये मन जितना पुराना होता जाएगा श्याम भक्ति में त्यों त्यों ये उज्ज्वल होता जाएगा, जितना उज्ज्वल होता उतना ही उज्ज्वल होता जाएगा, ठीक है, जितना जितना बूढ़ा होता जाएगा, जितना समय बीतता जाएगा श्याम भक्ति में, उतना ही हमारा जो मन है वो उज्ज्वल होता जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो शरीर पूरा जर्जर होने लग जाता है, लेकिन श्याम भक्ति में क्या माना जाता है, क्या माना जाता है यहाँ पर, कि जो आपका मन है वो और उज्ज्वल होने लग जाएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम ज्यादा समय और नहीं देंगे, आ जाते हैं हम छंद पर। सर एक एक लास्ट है सर, एक हाँ हाँ बिल्कुल सर जो मेरे इधर सर है ना एक हिंदी के, हाँ उन्होंने एक दो फोटो भेजे कवि परिचय और लेखक परिचय के, तो वही हाँ वो बोल रहे हैं कि कोई भी आए इन्हीं को लिख देना, ये सूट कर जाएगा, मतलब ऐसा कुछ, मतलब हाँ देखो कोई सा भी आए ये चीज मैंने वो मैं आपको, आपको बताना हाँ कैसा है, मतलब देखो ठीक है मैंने आपको क्या? बताया था ये चीज के बारे में कि ये चीजें आती हैं एग्जाम टाइम में, कवि परिचय, लेखक परिचय में, लेकिन यार होता क्या है कि इनमें काफी सारे एक्सेप्शन होते हैं, कई बार क्या होता है जो भी उसमें का जो भाव पक्ष लिखा हुआ है या फिर जो साहित्य में स्थान लिखा हुआ है वो हमारे कवि के ऊपर सूट नहीं करता है जो एग्जाम में पूछा है, तो वहां पर आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है, सर आप एक बार ये देख लेना सर फिर हाँ हाँ भी। मैंने देख रखे हैं, वो सारी चीजें देख रखी है, काफी टाइम से हैं हम एमपी बोर्ड में, तो ये सारी चीजें हमने देख रखी हैं, ठीक सर है, उनको करें ओके ओके। हाँ मेरी बात सुनो, सर मुझे कुछ पूछना था, हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। सर व्याकरण और चैप्टर में से क्वेश्चन कितने आते टोटल? देखो इसके ऊपर अपन ने बात पहले ही कर ली थी यार, PDF था अपना, सॉरी जो ब्लूप्रिंट था उसको अपन ने एक क्लास में एक्सप्लेन किया था, वहां पे आप समझ सर चुके थे। चैप्टर्स में से ऐसा रोल रहेगा कि एक तो आता है आपका गद्यखंड चैप्टर में से, वहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पद्यखंड है ना, पतंग है, आत्म परिचय है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा वो रहेगा 2 नंबर का। इसके अलावा जो वितान है वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा जो रहेगा 2 नंबर का, ठीक है। सर डाउट है हाँ हाँ बिल्कुल डाउट क्लियर कर सकते सर, हैं आप, विरोधा सभा एक बार वापस से बता दीजिए। विरोधा क्या जानना है आपको? विरोधा सभा अलंकार ओके ओके, उसको अभी तो हमने एक्सप्लेन किया था, अभी अपन समझे थे, वापस जाते हैं विरोधाभास सर अलंकार पर। विरोधाभास अलंकार पर हमने देखा था, पहले मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, विरोधाभास अलंकार जहां किसी पदार्थ
गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे यहां पर कहा जा रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग थे तो उज्जवल होए। इस मन की, इस हृदय की आप गति को नहीं समझ सकते, इसकी लीला को नहीं समझ सकते। जो जो श्याम रंग में ये बूढ़ा होता जाएगा, त्यों तो ये जो अपना मन है ये उज्जवल होता जाएगा, बुद्धि है उज्जवल होती जाएगी। ठीक है, बाकी एज इट इज आप लिख देना। एंड आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गई, विरोधाभास का क्या है। संध्या अलंकार भी अपन पढ़ चुके ओके हैं, सर। पुनरुक्ति सर पुनरुक्ति इंपॉर्टेंट। हाँ ये बोलो। सर ये रस के और में आएगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही अपना पूरा फॉर्मेट यहाँ पर सजाया जाने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपने को कि हम रस पढ़ लिए तो अलंकार के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ध्यान देना है अपने को। हो सकता है कि यार हमारी किस्मत साथ ना दे, रस वाला क्वेश्चन अपना अपने से ना फंसे तो अलंकार वाला फंस जाए। ठीक, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि इनको पढ़ लेना एटलीस्ट, अगर आपको याद नहीं हो रहे तो पढ़ तो लो, कुछ तो लिख ही दोगे आप। ठीक है ना, चलिए ये हो गया हमारा। हम आते हैं छंद पर, तो यार छंद को देखेंगे अब हम, इजी रहेंगे छंद भी, ज्यादा आप चिंता ना करें इस चीज की भी। छंद में हम ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जो जिस सेक्शन से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उन्हीं चीजों को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जिस छंद में आपसे पूछा जाएगा कि भैया दोहा क्या होता है, दोहा यार इसकी शायद कुछ मिसिंग रह गया क्या, इसका देखना पड़ेगा मेरे को, कुछ ना कुछ चीज शायद इसमें से मिसिंग है तो उसको अपन कवर करेंगे। दोहा के उल्टा सवैया छंद के लक्षण, सवैया छंद। हाँ, तो इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो है अपनी वार्णिक और मात्रिक। तो वार्णिक का मतलब आप वर्ण से समझेंगे और मात्रिक का मात्रा से समझेंगे। ठीक है, बस ये इसका थोड़ा सा पहले इंट्रो रहता है, जो कि आपसे ऑब्जेक्ट इसमें पूछ सकते हैं कि वार्णिक छंद या कहां से रिलेट करेंगे, तो वो वर्ण से करेंगे और मात्रिक छंद मात्रा से। अब इसी से रिलेटेड यहां से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम डायरेक्टली देखेंगे। जैसे हमारे पास दोहा, दोहा दिया हुआ है, तो दोहा यहां पर क्या बताया जा रहा है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका भी मतलब समझेंगे अपन, अर्ध सममात्रिक का भी मतलब समझेंगे। देखो यार, मैंने आपको बताया एक तो है मात्रिक एक है वर्णिक, तो मात्रिक में हमें सममात्रिक मिलेंगे और अर्ध सममात्रिक मिलेंगे। अभी आपके माइंड में चीजें समझ में नहीं आ रही होगी क्या चल रहा है, मात्रिक अर्ध सममात्रिक सममात्रिक क्या है ये, लेकिन अभी जब अपन इन चीजों को पढ़ेंगे उदाहरण देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखो यार, अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक में क्या अंतर होता है, अंतर ये होता है, एक में इधर उदाहरण देखते हैं अच्छे सा। यहां पे देखो, जैसे चौपाई है, चौपाई में लिखा है सममात्रिक और दोहे में लिखा है अर्ध सममात्रिक। अब आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस क्या है कि यार जो चौपाई है यहां पे कहते हैं कि इसके अंदर चार चरण है, चार चरण है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, 16-16 मात्राएं होती है, लेकिन दोहा दोहा जो है उसमें क्या होता है भाई साहब कि जो आपके ओड नंबर है यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड इसमें 13 मात्रा है, और जो सेकंड और फोर्थ है जो इवन है उसमें कितनी मात्रा है, 11 मात्रा है। ओके, ये डिफरेंस होता है। सममात्रिक का ये है कि चारों जितने भी उसके अंदर चरण है उन सभी में एक जैसी मात्राएं होंगी, और अर्ध सममात्रिक में ऐसा होगा कि पहले और तीसरे में अलग मात्रा होंगी और दूसरे और चौथे में अलग मात्राएं होंगी। क्लियर है, पहले तीसरे में आपको कॉमन देखने को मिलेगी, दूसरे चौथे में आपको कॉमन देखने को मिलेगी, वो आपका अर्ध सममात्रिक छंद रहेगा। वहीं जब आपको प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं देखने को मिले तब आप समझ जाना कि ये क्या है, सममात्रिक छंद है। ओके, तो इसके उदाहरण देखते हैं अपन दोहा के। दोहा हमारे पास है, इसको थोड़ा अपन वो पढ़ेंगे उसके आगे, फिर उसके बाद में उदाहरण पर चलते हैं। पहले तो अपन ने समझ लिया कि सममात्रिक क्या होता है, अर्ध सममात्रिक क्या होता है। तो देखो, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, यह सोरठा का उल्टा होता है। अभी अपन ने सोरठा सोरठा तो पढ़ा नहीं है ना, सोरठा पढ़ेंगे तब आप ये देखोगे कि जो दोहा जो सोरठा है वो दोहा का उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें चार चरण होते हैं, देख लो भैया चार चरण है, एक दो और तीन और ये चार। इसके पहले और तीसरे जिनको अपन ओड कहते हैं, हिंदी में विषम कहते हैं, पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे जिसको अपन सम कहेंगे, ठीक है, या फिर इवन कहेंगे इंग्लिश में, दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं रहती है, 11 मात्राएं रहती है। अब बस इतना आपको लिखना है, बाकी इन सबको बाद में जाने दो, इतना ही इनफ रहेगा, दोहे को आप इतने में परिभाषित कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखो, उदाहरण बहुत आसान है यार अपने जितने भी, ये दोहा सोरठा चौपाई। हाँ, एक कवित्त छंद रहता है, जैसे
जिसके उदाहरण थोड़े हैवी रहते हैं, क्योंकि यार वहां पे ना 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण, तो उसको याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। चलो इसी को देख लेते हैं फिलहाल। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। ठीक है, तो ये चीजें मात्राएं भी आप गिन सकते हो। यहाँ पे एक, यहाँ पे इसको अपन बड़ी की मात्रा है, इसको अपन दो गिनेंगे। ओके, और इसी तरीके से जो छोटी छोटा जो छोटी मात्राएं रहती है, जैसे छोटी ई की हो गई, छोटा ऊ की हो गई, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको एक गिनेंगे। और जो बड़ी मात्राएं रहेंगी, दीर्घ मात्राएं रहेंगी, जहां से दीर्घ स्वर उत्पन्न हो रहा हो, वहां पे अपन दो गिनते हैं। ठीक है, तो मात्राएं आप गिनने पर ज्यादा ध्यान ना दो, जो इसका एग्जाम्पल है उसी को लर्न कर लो। बहुत सरल सा एग्जाम्पल है अपने दोहे का, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। ये हो गया अपना दोहा। अभी दोहे में आपने क्या देखा कि ये सोरठा का उल्टा होता है, तो क्यों ना अपन सोरठा को भी तुरंत पढ़ लें, तो हमारी दो चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी। सोरठा देख लो, लास्ट ईयर आया था, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह भी अर्ध सम्मात्रिक है ना, और दोहे का उल्टा होता है। दोहे में अपन ने क्या देखा कि वो सोरठे का उल्टा होता है, और यहां पे हमने सोरठा में क्या देखा कि ये दोहे का उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे क्यों हैं, उल्टे क्यों हैं, रीजन समझ लेते हैं कि यार जो अपना दोहा होता है वहां पर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है, और वहीं जो अपना सोरठा होता है वहां पे पहले तीसरे में नहीं बल्कि दूसरे, 2 मिनट देख लेते हैं क्या चीजें हैं। यहां पे पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा है, और जो अपना सोरठा है यहां पर भी पहले और तीसरे में 13 13 मात्रा है। आई थिंक कुछ यहां पर गलती हुई है, जिसको मैं चेक करता हूं फिलहाल। ओके, आप सभी अपना माइक ऑफ रख लीजिए। हाँ तो ठीक है, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, सेम चीजें। दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11 11 मात्राएं होती है। क्लियर इतना? फिर इसका उदाहरण आपने याद कर लिया, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। ये इतना हो गया। अब देखो जो अपना सोरठा है, यहाँ पे ध्यान मत दो, यहाँ पे ध्यान मत दो, यहीं पे ध्यान देंगे हम सभी। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में, विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, इसके विषम चरणों में 11 11 मात्राएं होती है। यहां पर गलती की गई है, ठीक है, इस पर आप ध्यान ना दें। पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं रहेंगी, वहीं जो दूसरे और चौथे हैं, दूसरे और चौथे हैं वहां पर 13 13 मात्रा है, यहाँ पे और यहाँ पे 13 13 मात्रा। यहाँ पे गलती हो गई है, इस पर आप फोकस ना करें। ओके, बस आपको मात्राओं पर ध्यान किस लिए देना है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, उनको बता पाओ कि भैया दोहा क्या है, सोरठा क्या है ना, ये चीज आप उन्हें बता पाओ, चौपाई क्या है। इसके लिए बस आपको मात्राओं पर ध्यान देना है, बाकी एग्जाम्पल आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये एग्जाम्पल है इसका, दोहे का, सोरठा का एग्जाम्पल ये है। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो, दोहे को लिखो, दोहे को लिखो, उसके जस्ट बाद हम सोरठे को लिखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, फिर हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हमने भैया रस पढ़े, रस में काफी मजा आया, अच्छे अच्छे अपने एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है, उसके बाद अलंकार कवर किया। अलंकार करने के बाद हम आ चुके छंद पर, छंद के बाद हम शब्द शक्ति पढ़ेंगे, शब्द गुण भी देखेंगे। चीजें सभी आसान है यारो, बस मायने ये रखता है कि अपना नजरिया कैसा है, हम चीजों को देख के डर तो नहीं रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को कर रहे हैं, बस ये चीज मायने रखेंगे यहां पर। ओके, आप सभी लिख लो, एक काम करो फटाफट से, दोहा की परिभाषा, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है या सोरठा का उल्टा होता है, इसमें 4 चरण होते हैं है ना, विषम चरण पहले और तीसरे आपने लिखेंगे, विषम चरण लिखना तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है, विषम चरणों में 13 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 11 मात्राएं होती है। हाँ, आप एक पर्पज से जरूर बढ़ा सकते हो कि यार अपने शब्द बढ़ जाएंगे, तो ये भी लिख सकते हो कि हाँ इसके पहले और तीसरे में, दूसरे और चौथे में, पूरा एज इट इज भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़ा भी मत लिखना, यहां तक इनफ रहेगा। ओके, चलिए ये लिख लिया आप सभी ने, लिख लिया हो तो एक बार हैंड रेज कर दो। ओके ओके, लगभग सभी स्टूडेंट्स ने लिख लिया है, उदाहरण भी लिख लिया हो तो भी हैंड रेज कर दो, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, तब भी आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। अब ये तो हो गया यार हमारा दोहा, प्रेमचंद, एक बार फिर रिपीट कर दो, इन सर का क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि दोहा क्या है, दोहा की परिभाषा लिखिए और इसका एक उदाहरण दीजिए। तो दोहा की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है, उदाहरण ये लिखा हुआ है ना, है ना, जिसको अपन ने समझ लिया है। समझा कैसे कि यार जो दोहा है दोहा जो है अर्धसम्मात्रिक छंद है, अर्धसम्मात्रिक इन द सेंस कि यार यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में मात्राएं अलग होगी, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं अलग होगी। ओके, अर्धसम्मात्रिक होंगे। सम्मात्रिक क्या होते हैं? जहां पर पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई सा भी चरण हो, सभी जगह पर एक जैसी मात्राएं रहती है। क्लियर इतना? ये दोहा हो गया अपना। सोल्टा देखो, सोल्टा भी अपन ने पढ़ लिया है। अब इसको फटाफट से एज इट इज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। इसका उदाहरण देखेंगे अपन। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, है ना। आज तो अपन पूरे कवि बन चुके हैं। ओके, तो ये चीजें अपन ने कर ली है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल बाका ना होए। ओके, ये था अपने हास्य रस का उदाहरण जो कि सभी बच्चों के माइंड में अच्छे से फिट हो चुका है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। वी रस का भी बहुत आसान था। वी रस में एक तो अपने झांसी की रानी वाला देखा था, बुंदेले हर बोलो के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा एक और देखा था हमने, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का सके देश के काम नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी। आई होप आप सभी को ये चीजें याद भी हो गई होगी आसानी से। दो मिनट, स्क्रीन शायद अब आपको नहीं दिख रही होगी, मैं वापस से इसे शेयर करता हूं। चलिए, अब दिख रही है आप सभी को स्क्रीन। ये हो गया अपना सोल्टा, दोहा भी हो गया। अब देखो चौपाई देख लो, चौपाई देखेंगे सभी। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। दोहे को क्या देखा हमने? दोहा था अर्ध सममात्रिक। पहले अपन ने मात्रिक और वर्णिक से क्लियर कर लिया कि यार मात्रिक अपना मात्रा से रिलेट करता है, यहां पे मात्राएं गिनी जाती है। वर्णिक में क्या होता है? वर्ण गिने जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आया वर्णिक क्या होता है और मात्रिक क्या होता है। फिर मात्रिक में सममात्रिक आने लगे और अर्ध सममात्रिक आने लगे। सममात्रिक क्या थे? जहां पर जितने भी चरण है सभी में एक जैसी मात्राएं हैं। और अर्ध सममात्रिक क्या थे? कि यहां पर विषम चरण में अलग मात्राएं होती थी और सम चरण में अलग मात्राएं होती थी। चौपाई को देखिए आप सभी। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। चौपाई में चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। 16-16 मात्राएं होती है, ये अपनी चौपाई की डेफिनेशन परिभाषा। उदाहरण देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ओके, इजी चीजें हैं यार। अगर आप पूरी परीक्षा बोर्ड उठाओगे वहां पे देखोगे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ जाएंगी, लेकिन यहां पे सारी चीजें अपन ने आसान भाषा में लिखी हुई है और यही पीडीएफ मैं आपको सेंड भी कर दूंगा जैसे अपनी क्लास फिनिश होती है, एंड होती है। यार रिवाइज करते रहा करो, हाथों को प्रैक्टिस कराना जरूरी है। वो पता है आपने पढ़ लिया, आप सोचोगे कि हाँ मेरे को याद हो चुका है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तब हाथ बोलता है भाई क्या लिखना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि हाथों को प्रैक्टिस कराना जरूरी है, हाथों को आदत डालना जरूरी है। तो आप लिख लिख कर भी इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहें। कवित्त छंद चौपाई हो गया अपना। चौपाई में देखो मात्राएं, मात्राओं का पहले ध्यान रखो आप सभी के सभी। मात्राएं क्या है भैया? दोहे में हम क्या देखेंगे कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। यहां पे अपन हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं, समझ लो छंद में। छंद में अपन क्या करते हैं? हनुमान चालीसा शुरू कर देते हैं। तो जो दोहा रहता है उसमें अपन एकदम स्टार्ट कर देते हैं श्री गुरु चरण सरोज रस से, है ना। चौपाई में क्या करते हैं? जय हनुमान से लिख देते हैं अपन। लेकिन वहां पे क्या होता है चौपाई में कि जितने भी चरण होते हैं वहां पर एक जैसी मात्राएं होती है। कहने का मतलब है सभी जगह 16-16 मात्राएं रहती है ना। और सोल्टा जो है अपना दोहा का एकदम अपोजिट है कि पहले और तीसरे में अगर 13-13 है तो जो अपना सोल्टा है वहां पे पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होंगी। चलिए देख लेते हैं कोई और यहां पर ज्वाइन हो रहे हैं। जी हाँ, अविनाश, अविनाश को ऐड कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया देखो आगे, कवित्त छंद, कवित्त छंद देखो।
वर्णिक छंद कवित्त में चार चरण होते हैं। वर्णिक छंद कवित्त में चार चरण होते हैं। अभी तक अपन ने देखते हैं माद्रिक छंद थे, ये है वर्णिक छंद, जो कवित्त है वो है वर्णिक छंद। इसमें कितने चरण है? चार चरण है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होंगे? 31। जब हम अपन मात्रा गिनते थे ना तो वो मात्रिक छंद थे, यहाँ पे अपन वर्ण गिनेंगे तो ये वर्णिक छंद है। गिनना नहीं है लेकिन अपने को डेफिनेशन पढ़ना है और उदाहरण देखना है। अभी अपना जो काम है उसे दिखाना है, ठीक है? चलो, 31 वर्ण होते हैं, इस बात को आपको वहां पे नोट डाउन करना होगा। ओके, समा चाहेंगे थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं, ठीक है? 16 और 15 वर्णों पर गति यति होती, सॉरी यति यति होती है, और इस चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ओके, ये चीजें अपन ने यहां पर लिख दी। लघु और गुरु जैसी चीजें यहां पर अपने को देखने को मिलती हैं। अगर आप इन्हें लिख देते हैं अच्छी बात है, याद रहता है, तो नहीं भी रहता तो चल जाएगा, ठीक है? वर्णिक छंद कवित्त में चार चरण होते हैं। कितने चरण होंगे? चार। अभी तक अपने जो भी पढ़े सब में चार चरण थे। इसके अलावा प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। ओके, अब देखो यार, ये जो है मैंने पूरे चार चरण नहीं लिखे हैं, दो ही चरण है अगर आप इनको गिनोगे तो, क्योंकि जो चार चरण है काफी ज्यादा लेंथी हो जाएंगे और याद करने में मुश्किल रहेंगे। तो जिन बच्चों का जो टारगेट है अभी सिर्फ 70-75 का है, वो इतना ही लिख लो। वो जो टारगेट लेके चल रहे हैं अपना 95, 96, 97, 98 मार्क्स का, तो उनको मैं कवित्त छंद का ये जो उदाहरण है पूरा का पूरा सेंड कर दूंगा उनके लिए भी, ठीक है? लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हो तो काफी है, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, 1.5 नंबर मिल ही जाएंगे इसके दो में से। क्योंकि यार वो याद नहीं हो पाएगा, टाइम लगाओगे उसमें, उससे अच्छा है कि बाकी चीजें आप कवर कर लो, है ना? क्या है इसका उदाहरण? सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुरागवश, तो तुम सहर्ष निज भाग्य की सराहना। ठीक है, ये चीज अपने उदाहरण में लिखी हुई है, इसको जब आप लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ये चीज भी कवर हो जाएगी। हाँ, अब मैं माइक ऑन कर देता हूं, इसको भी लिख लो आप, फिर करते हैं अपन माइक ऑन। रस भी किए हमने, अलंकार भी किए हैं, छंद भी किए हैं, ओके। मानसी रघुवंशी पूछ रही हैं कि इनका डिफरेंस भी समझा समझा दीजिए। तभी आदित्य ने रिप्लाई किया है कि उनका उनके जो पॉइंट्स हैं वही डिफरेंस है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने आदित्य। देखो मानसी, उनको भी अपन समझ लेंगे, डोंट वरी, अभी समझ लेते हैं। देखो यार, दोहा और सोरठा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोहे और सोरठे में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है? जिन्होंने लिख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है अब आगे ध्यान दो, तो ये पीडीएफ भेजूंगा उसमें से लिख लेना आप, है ना? देख लेते हैं कोई और है क्या वेटिंग रूम में, नहीं है तो देखेंगे। अब भैया हमारे पास लिखा हुआ है सोरठा और दोहा। चलिए पहले तो मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं। सबसे पहले आप देखो दोहा, तो दोहा क्या है? दोहा क्या है, आप इसमें पॉइंट उठाओ। दोहे में क्या होता है कि इसमें चार चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और ये तो हो जाएगा अपनी अपना एक पॉइंट हो जाएगा दोहे का। और वहीं यहां पे आ जाओ सोल्ठे पर, तो सोल्ठे पे आप क्या लिखोगे कि भैया जो इसके विषम चरण है, पहले और तीसरे जो चरण है उनमें 11-11 मात्राएं होती है, ठीक है? और बाकी के जो सम चरण है उनमें 13-13 मात्राएं होती है। क्लियर इतना? अब देखो इसके आगे देखेंगे हम क्या लिखा है। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, वो चीज आप यहां पे भी लिख सकते हो कि सोरठा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ठीक है? वैसे ऐसा क्वेश्चन हाँ बिल्कुल बन सकता है, चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस बनने के। ओके, अब देखो आप यहां पे एक और चीज उठाएंगे अपन, एक प्रथम सॉरी तुक प्रथम और तृतीय चरण में होता है, तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है, और इनके अंत में लघु अवश्य होता है। यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रही है कि विषम चरणों के आदि मतलब प्रारंभ में जगत नहीं पढ़ना चाहिए और सम चरणों के अंत में लघु पढ़ना आवश्यक है। बस ये तीन पॉइंट्स आप वहां पे बना देना और आपका काम हो जाएगा। या फिर मैं ऐसा करूंगा कि ये जो दोहा और सोरठा का जो अंतर है इसका एक अलग से क्वेश्चन लूंगा, इसको मैं खुद नोट डाउन करूंगा और उसके बाद आपको सेंड कर दूंगा, तो आपका जो काम है वो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है? अभी क्लास एंड होगी ना, उसके जस्ट बाद पहले मैं ये पीडीएफ भेजूंगा और दोहा और सोरठा का अंतर भी भेज दूंगा।
ओके। फिर हमने एक और छंद पढ़ना है, सवैया छंद। अब देखो यार, एक बंदे को काफी दिनों से प्रॉब्लम आ रही थी कवित्त छंद में, तो कवित्त छंद का ये उदाहरण है हमारे पास। एक नंबर की अपन ने डेफिनेशन देख ली, अब ये जो उदाहरण है हो सकता है इसका भी एक नंबर दे दे, लेकिन आधा तो कन्फर्म है ही सही, ठीक है? क्योंकि यार चार लाइन अपन ने फिर भी लिख ली है, मान लो चार लाइन और लिखनी पड़ेगी, 31 वर्ण होते हैं एक ही चरण में, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसी चीजों को याद करना। और इसमें जितना टाइम लगाएंगे उतना टाइम अगर हम किसी और टॉपिक पर देंगे तो आई थिंक ज्यादा मार्क्स अपन कवर कर सकते हैं उस टाइम में, ठीक? तो इस बात का भी ध्यान रखो। बताया कई सारे बच्चों को सूझी नहीं है, कई सारे बच्चों को कुछ सूझी नहीं है। एक मेरा कजिन है, अंकल का लड़का है छोटा, मतलब वो भी 12th में, आप ही की तरह, तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपनी फेयर कॉपी उठाई, क्वेश्चन आंसर याद किए जा रहे हैं। और वेटेज क्या है इनका? कुछ नहीं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेंगे ये अपने गद्य से, पद्य से 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का वितान से, है कि नहीं? तो इन चीजों को अवॉइड करना, स्मार्ट वर्क अपने को करना है यार, कि हम कम टाइम में कैसे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ऐसी चीजों को अपन थोड़ा अवॉइड करें जो कि हमारा टाइम ज्यादा ला रही, मतलब ज्यादा टाइम ले रही हो और आउटपुट अपने को कम दे रही है, तो इन चीजों को आप थोड़ा अवॉइड करो। अब देखो सवैया छंद देख लो। सवैया छंद में 22 वर्ण से लेकर 26 वर्ण होते हैं, इसके कई प्रकार हैं, यहां मत्य, मत गयंत तथा दुर्मिल प्रकार दिए जा रहे हैं। मत गयंत है यहां पर और दुर्मिल यहां पर मैंने शायद नहीं लिखा है। चलो ठीक है, मैं आपको सवैया छंद अलग से भेज दूंगा, ठीक है? सवैया छंद आपको अलग से मैं सेंड कर दूंगा, सवैया छंद और हमारा जो सोल्ठा और दोहे का जो अंतर है वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा। शब्द शक्ति देखेंगे यारो, शब्द शक्ति एक काम करो, सोल्ठा भी आपने लिख लिया है, लिखने का काम हो चुका है, ठीक है? शब्द शक्ति, शब्द शक्ति देखो, हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, भाषा का व्यवहार करते हैं इन द सेंस, जिस भाषा में अपन बातचीत करते हैं, ओके, उसमें दो तत्व होते हैं, उसमें दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। दो तत्व होंगे शब्द और अर्थ। जो ध्वनि स्मस्ति सुनाई पड़ती है वह शब्द है, जो चीज अपने को स्पष्ट रूप से सुनाई देती है वो क्या है, शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है। मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया कि शब्द शक्ति को परिभाषित कीजिए, तब आपको क्या लिखना है, लिखना है हम जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। जो ध्वनि स्मस्ति सुनाई पड़ती है वह शब्द है, प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है, ओके। शब्द के इस अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति का शक्ति को हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है? शब्द के इस अर्थ को जो बताती है, जो इस शब्द के अर्थ का बोध कराती है, उस शक्ति को हम कहेंगे शब्द शक्ति। तो ये डेफिनेशन है, इसको अपनी कॉपी में लिख लो फटाफट, फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। शब्द शक्ति भाई साहब, जो शब्द के अर्थ का बोध कराए उस शक्ति को हम कहते हैं कि यह शब्द शक्ति। जैसे कि यार आपने अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री से कुछ बच्चे हैं, अपन उसमें देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम को कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं किसी भी एटम में से, तो क्या होता है जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है कि भैया जो शब्द के अर्थ का बोध करा दे उस शक्ति को हम कहते हैं शब्द शक्ति, वहां पर एनर्जी कहा जा रहा है, वो थोड़ी अलग टर्म है, लेकिन वैसे ही आप समझ सकते हो, अपने माइंड में पिक्चर बना सकते हो कि हाँ यार जो इस शब्द के अर्थ का बोध कराए अपने को, उस शक्ति को अपन क्या कहेंगे, शब्द शक्ति कहेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे जाते हैं अपन, आयनाइजेशन एनर्जी से भी आप रिलेट बिल्कुल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि माइंड में अपने एक पिक्चर बन जाए। अब देखो यार, जो शब्द शक्ति है वो हमारे पास, हमने उसके 3 प्रकार देखे हैं, कौन कौन से हैं? अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। अमिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्ति अपन ने देख लिया, ठीक है ना? अब ये 3 शब्द शक्ति है, ये हमने इसके प्रकार पढ़ लिए। हो सकता है आपसे इस तरीके का प्रश्न बन जाए कि शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए और इनके प्रकार बताइए, तो आप क्या करना, परिभाषा यहां से यहां तक हो गई अपनी, इसके अलावा ये होगा इसके प्रकार। ये 3 प्रकार की होती है, अमिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति, ओके। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अमिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति, ये दोनों को आपको परिभाषा लिखने को बोल सकते हैं। तो क्या करोगे आप, देखो अमिधा,
लास्ट ईयर पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट है भैया। अमिता शक्ति, जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अमिता शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, ऑलरेडी प्रचलित है या फिर जो उसका मुख्य अर्थ है उसके बारे में अपने को पता लग रहा है तो वो क्या है, शब्द शक्ति कौन सी है, अमिता शब्द शक्ति है। जैसे अपना घर सबको प्यारा होता है, राम के पिताजी बीमार हैं, अयोध्या के राजा दशरथ थे, ठीक, ये चीज अपने यहाँ पे देखी। लक्षणा में देखो, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे शेर, शेर वनराज कहलाता है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आप इनके एक एग्जाम्पल अपने माइंड में फिट करते हुए चलिए, बस इतना इनफ रहेगा। अमिता शब्द शक्ति, सीधी सी बात है, जो भी आपको लगे कि भाई साहब जिससे प्रचलित अर्थ, इस शब्द के प्रचलित या फिर मुख्य अर्थ का बोध हो वो रहेगी अपनी अमिता शब्द शक्ति। और लक्षणा में आपको क्या याद रखना है कि प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे हम लक्षणा शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, चलिए एक काम करो, इसकी डेफिनेशन लिख लो और एक उदाहरण लिख लो, एक एक उदाहरण लिखते चलो बस। इनमें हम ज्यादा अंदर डीप में जाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, हमें जो यहां पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को अपने को लर्न करते हुए चलना है। इनके ऊपर भी मैं टिक कर दूंगा ऐसा रहता है तो, कि आपको और क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये क्वेश्चन ही अपने को करने हैं ज्यादातर। ये एक तो अमिता शक्ति कर लेना और यहां पर आप क्या करोगे, लक्षणा शक्ति। ठीक है, अमिता शक्ति एक लक्षणा शक्ति। अमिता शक्ति में हमने पढ़ा कि जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अमिता शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है ना, अब देखेंगे हम लक्षणा शक्ति, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब एकदम यहां पे कुछ भी नहीं बचा है, अब ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस है। व्यंजना शक्ति, बिल्कुल बहुत कम चांसेस है कि इसका क्वेश्चन बन जाए। ऐसा करना कि आप इसको पढ़ लेना, है ना, अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो पढ़ सकता है, बाकी इसका कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। हमने इसको पीडीएफ में दे दिया है, अगर आप पढ़ना चाहें, अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। शब्द गुण में देख लो यार, रस का अनिवार्य तत्व गुण है, जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा रहती है उसी प्रकार रस के साथ गुण सदा रहते हैं। जिस प्रकार यार अग्नि के साथ हमेशा हीट रहती है, गर्मी रहती है, उसी तरीके से रस के साथ गुण हमेशा रहते हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह माधुर्य, ओज आदि रस के धर्म है। तीन यहां पर देखेंगे अपन, शब्द गुण, माधुर्य गुण मिलेगा, ओज गुण मिलेगा और प्रसाद गुण मिलेगा। माधुर्य गुण देखो, इन तीनों के बस डेफिनेशन आप याद कर लेना, उदाहरण आपको याद नहीं होंगे तो चल जाएगा, आप तो सीधे इसकी डेफिनेशन लर्न कर लेना। जो जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म है उन्हें गुण कहते हैं। ये तो अपने गुण की परिभाषा हो गई यार, यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है, इसको भी अपन लर्न कर लेते हैं। जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म होते हैं उन्हें गुण कहते हैं। गुण तीन प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ओके, माधुर्य गुण देखेंगे हम, माधुर्य गुण देखेंगे हम कि काव्य में, काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। अब देखो, ये माधुर्य गुण से रिलेटेड चीजें हमने श्रृंगार रस में भी पढ़ी थी, करुण रस में भी। ओके, यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में य, ल, म, व, ब आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोमल वर्ण क्या होंगे अपने, य, ल, म, व, ब, इनसे जो भी शब्द वगैरह बनेंगे वो अपने वो कोमल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। ओके, माधुरी गुण देख लो, डेफिनेशन इसकी अपनी कॉपी में लिख लो, ज्यादा अंदर नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से इसको पढ़ना है, क्योंकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। माधुर्य गुण या फिर ओज गुण पूछ सकते हो आपसे, माधुर्य गुण या फिर ओज गुण की परिभाषा पूछ सकते हैं, तो आप लिख देना कि भैया काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। अब यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में य, ल, म, व, ब आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। एक काम करो, इसकी फटाफट से आप डेफिनेशन लिख लो, एक एग्जाम्पल लिख लो छोटा सा।
ये एग्जाम्पल बढ़िया है। यही आता इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, बड़ा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है। उसके मन में क्या आता है, यही मन में आता है कि भैया जो भी धन धाम जो भी है वो छोड़ दे और वो वन में रहने लग जाए। तो यही आता इस मन में, यही आता इस मन में, छोड़ धन धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका उदाहरण है जो कि आपको याद रहेगा। लिख लो फटाफट। ठीक, आई थिंक आप सभी ने, दिव्यांश पांडे आप ज्वाइन हो रहे हैं, लिख लिया है, आप सभी ने हैंड रेस कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यार, ओज गुण पर आ जाओ। ओज गुण एक काम करते हैं, थोड़ी सी अब बातचीत भी कर लेते हैं, अपने काफी सारी चीजें पढ़ ली है और ओवरऑल मीटिंग को जो एंड करने का भी टाइम आने वाला है, तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और जो भी आपके मन में सवाल हैं वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अपने सर इस जो ग्रामर। छंद में उदाहरण क्लास दिए शाम को क्या थे, पढ़ाओगे? एक मिनट रुक जाओ, हाँ, जो अभिव्यक्ति और छंद माध्यम में शाम को पढ़ेंगे, 2 मिनट। उदाहरण हाँ, अभिव्यक्ति और माध्यम शाम को पढ़ेंगे। हाँ, अब आप पूछिए। जो छंद में उदाहरण दिए थे उनमें नीचे मात्राएं भी लिखी थी, तो वो मात्रा हमें उदाहरण लिखते समय लिखनी है नहीं कि उन्हें नहीं छोड़ नहीं सकते? नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां पे मात्राएं लिखें, आप सिर्फ अपना उदाहरण भी लिख देंगे तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे उसके। ठीक है, और सर समष्टि का अर्थ क्या होता है? समष्टि किसका? समस्ती का अर्थ आप स्पष्ट समझ सकते हैं। ठीक है, जब अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब देखो, और सर ये कह रहा है कि आप 24 घंटे में से कोई भी 1 घंटा बता दीजिए जिसमें आपको कॉल करें एंड कॉल उठ जाए, क्योंकि अब 2 दिन बचे पेपर में। 2 मिनट, मैं 2 मिनट ऊपर आते हैं, आपने शायद यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा था, आ जाते हैं अपन ऊपर। सामूहिक शब्द शक्ति, हाँ ये देखो, जो ध्वनि समस्ती सुनाई देती है, समस्ती सुनाई पड़ती है, यानी कि इसका अपन समझ सकते हैं कि एक सामूहिक रूप से जो ध्वनि सुनाई देती है उसकी बात की जा रही है। समस्ती का मतलब यहाँ पे अपन सामूहिक रूप से समझेंगे। ओके, हाँ अब आप आगे की बात बोल सकते हैं। सर ये कह रहे हैं आप कोई एक आवर बता दीजिए ऐसा जिसमें आपको कॉल करें एंड आप फ्री हो तो आप कॉल उठा लें। ऐसा टाइम, 2 मिनट में, चलो एक काम करना, आप मुझे 10 बजे के बाद, 10 से 10:30 बजे के बीच में आप कॉल कर लेना, है ना, नाइट में। सोते तो नहीं हो उस टाइम ओके में? सर। नो सर, हम रात में नहीं सोते, आप कभी भी लगा देंगे हम तो। सर ओके ओके, रात भर इतनी जल्दी ऐसा नहीं करना यार। पेपर आप दे रहे हैं हाँ सर, बोलो बोलो, जो हाँ हाँ बोलो। आप जो पेपर जो बनाओगे शाम तक कब तक सेंड करोगे? देखो ऐसा है पेपर का कि अभी शाम को तो अपनी एक और क्लास रहेगी जिसमें अपन पढ़ेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम, और कुछ निबंध दे दूंगा आपको जिन्हें आप लर्न करने की कोशिश करना, हो भी जाएंगे। इसके अलावा कल की सुबह की वाली क्लास में अपन रिवीजन यस करेंगे। सर, वो क्या होता है अभिव्यक्ति और माध्यम? अभिव्यक्ति और माध्यम में हम देखते हैं पत्रकारिता जैसी कुछ चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी, जो कि 7 नंबर कैरी करेगी, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सर हाँ उसमें इंटरनेट भी तो आता है, इंटरनेट हाँ बिल्कुल जनसंचार। बिल्कुल, सब चीज़ें आएंगे उसमें, पत्रकारिता भी आएगा, इंटरनेट भी आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 नंबर का एक डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है वहाँ पे, और 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। हेलो सर, हाँ मतलब सर दो बजे इसका क्लास मतलब होगी कि क्या? मेरी ग्रामर खत्म हो गई ना नहीं, दो बजे नहीं होगी, व्याकरण? अभी शाम को 4 बजे क्लास होगी जिसमें अपन बाकी का ग्रामर, ये हिंदी का सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे। देखो ग्रामर की बात करते हैं अपन, तो पेपर कितने बजे तो अपनी ग्रामर जो है होगा सर लगभग, कल अपनी सुबह की? 2 मिनट 2 मिनट शांति रखो बाबा, ग्रामर जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। माधुरी गुण अपन ने पढ़ लिया है, ओज गुण क्या है, जहाँ पर ओज यानी कि उत्साह दिखे, जोश दिखे, ठीक है, वो गुण अपना माधुरी गुण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, उदाहरण दिया गया है, अच्छा है। अमर राष्ट्र उद्दंड राष्ट्र उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। ठीक है, ये इस तरीके के उदाहरण है, इनमें कुछ ओज गुण देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये ओज का उदाहरण है, यहीं के साथ यहीं पे आप देख सकते हैं प्रसाद गुण, प्रसाद गुण को भी आप पढ़ लेना। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बताई है, क्या बताया है कि मैं आपको भेजूंगा सोरठा और दोहा का अंतर, एक चीज वो भेजनी है, और भी शायद किसी ने कुछ पूछा था उसको भी भेजना पेपर बता का दो। उसके अलावा सर,
सर और सो पेपर आप नहीं बनता सर तो फिर मैं सब एक चीज पूछ रहा सब। था, हाँ एक मॉडल पेपर भेजना है तो अपन को आपको, ये सब एक तो सर मॉडल उसको उसको कल सर उसको अच्छे से कर लिया कितने नंबर बन जाएंगे हमारे? मॉडल पेपर देखो यार इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें से लेकिन ज्यादा नहीं आएंगे, बहुत कम, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मॉडल पेपर जो है सिर्फ पैटर्न डिफाइन करता है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है हेलो सर, हाँ लेकिन फिर भी कितने सर हिंदी इंग्लिश में लास्ट ईयर के कितने पेपर लगा?